जाएगा हम बिहार एजुकेशन सर्विसेज ज्वाइन करके समाज के हर वर्ग के लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं बेहतर कानून व्यवस्था के लिए हम ज्वाइन करेंगे बिहार पुलिस सर्विस और अपने में पावर का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे ये लोग देख रहे हैं बिहार को बेहतर बनाने का सपना और सपनों को सच करने के लिए महंगी कोचिंग फीस देना जरूरी नहीं ना कि टॉप टीचर्स के साथ घर बैठे होगी बीपीएससी की तैयारी डाउनलोड करो टेक्सट बुक ऐप हेलो दोस्तों नमस्ते आदाब सत आपका दोस्त गौरव ऑफ बुक डॉट कॉम पर स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाइए तैयार क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर पे वार दोस्तों आपको पता है कि सीजीएल का जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं दिसंबर में आने वाला क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन अब कहीं ना कहीं आ ही जाएगा ठीक है उम्मीद थी कि, कि कल आ जाएगा लेकिन अभी तक नहीं आया लेकिन जैसे ही आएगा आपको यहाँ पे सारी चीजें पता चल जाएंगे लेकिन शुरुआत हमें कर देनी चाहिए क्योंकि दोस्तों अब इंतजार अगर हम करेंगे तो शायद थोड़ा सा लेट हो जाएगा इसलिए यहाँ पर हम आज स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से और उम्मीद करता हूं सभी लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रखे होंगे और दोस्तों पानी का बॉटल जरूर ले दीजिएगा क्योंकि दो घंटे की क्लास है और कोई सी बॉटल नहीं लेना है सिर्फ पानी की बॉटल लेके बैठना है ठीक है और एक बजे उठेंगे फिर लंच करेंगे तो चलिए स्टार्ट करने से पहले सभी को गुड मॉर्निंग भर भर के यहाँ पे विपिन कविता मोनसा राहुल सबको भर भर के गुड मॉर्निंग चलिए बढ़ते हैं अपने मोटिवेशनल कोड की तरफ सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है सीधी सी बात है मुश्किलें आती हैं ठीक है प्रॉब्लम्स आएंगी दिक्कतें आएंगी जो आपका ड्रीम है बहुत बड़े ड्रीम है और उनमें दोस्तों दिक्कतें तो वाजिब है क्योंकि वहां पे फाइट नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसा तो इसलिए दोस्तों यहां पर अपन फाइट करेंगे और क्या करेंगे अपने इस मुकाम को हासिल करेंगे तो आज दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पे फटाफट से क्या करेंगे सभी लोग यस टाइप करेंगे अगर आप रेडी हैं मेरी वॉइस क्लियर है स्क्रीन क्लियर है तो फटाफट से चलिए जल्दी जल्दी से तो यहां पर एक बार फटाफट से यस टाइप कर दीजिए फिर बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न के लिए यस गुड मॉर्निंग मोनसा कह सर आई एम बिग फैन ऑफ यू आई मोनसा आई एम बिग फैन ऑफ यूर्स टू ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न के लिए और पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पोंडिचेरी फ्रॉम दी फ्रेंच इन द ईयर दोस्तों आपसे पूछा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों से पोडीचेरी को ले लिया था सोलह सो चौहत्तर सोलह सो निन्वे सत्रह सो अड़तीस और सत्रह सो इकसठ जल्दी से बताइए दोस्तों कब ले लिया था फटाफट से यस जगदीश आपको भी गुड मॉर्निंग फटाफट से सब लोग आंसर करेंगे दोस्तों ये प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों ठीक है ये सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर है ठीक है यहाँ पे वेरी गुड नीतीश बहुत बढ़िया कविता आशीष ऐश्वर्या मिनाहाज बहुत बढ़िया दोस्तों जितने लोग यहाँ पर सत्रह सो इकसठ कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सत्रह सो इकसठ में दोस्तों ब्रिटिश ने क्या किया था यहाँ पे फ्रांसीसियों से क्या ले लिया था पुडुचेरी को ले लिया था लेकिन दोस्तों फ्रांसीसी शांत नहीं बैठे थे फ्रेंच ने फिर से वापस इसको रिस्टोर किया था सत्रह में सत्रह में वापस से ले लिया था किसके तहत दोस्तों ट्रिटी ऑफ पेरिस के तहत किसके तहत दोस्तों ट्रिटी ऑफ पेरिस के तहत ले लिया था ये भी याद रखेगा ये आपसे पूछा जाता

1504 में आ गया और 1524 तक भारत में ही रहा और भारत में ही इसकी मृत्यु हो गई कहां पर कोची में कोची कहां पर है दोस्तों केरला में है ना और कोची को किस नाम से जाना जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी क्या कहते हैं दोस्तों क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है ये याद रखिएगा अच्छा इसके स्वागत के लिए किसने भैया कौन स्वागत किया था वास्को डी का किंग जोमेरिन कौन दोस्तों जोमेरिन ने किया था और दोस्तों ये भी याद रखेगा यहां पर वास्को डिगामा जो है वो किसको निकला था ढूंढने वो अमेरिका को निकला था ठीक है अगले प्रश्न पे पढ़ें यस बहुत बढ़िया यहां पर एबीडी ऐश्वर्या

केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार सरकार की योजना यहां पर समेकन के रास्ते पर जारी रखने की एक है जिससे राजकोशी घाटे का स्तर तक जीडीपी के 4.5 परसेंट से कम हो जाएगा 2023-24, -20, 2022-23, -20, 2024-25 -20, 2022 और 2025-26 पच्चीस यहाँ पे कह रहे सर ए ऑप्शन ए ऑप्शन तो मैं आपको बता दूं दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो अपना लंबा स्पैन लेके चलती है ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर यहां पर करेक्ट आंसर है बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों ठीक है कुछ लोग ये कह रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या निकल कर आया है ऑप्शन नंबर फोर निकल कर आया है ना कि ए होगा ठीक है चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आप अच्छा दोस्तों अगर हम बात करें फिजिकल बज देखिए फिजकल एक होता है मनी बिल और एक होता है फाइनेंशियल बिल क्या होता है दोस्तों एक मनी बिल होता है एक फाइनेंशियल बिल होता है अपने संविधान में देखें हैंडल करता है दोस्तों फाइनेंस तो मिनिस्ट्री करती है कौन करती है दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है और अभी दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर कौन है फटाफट से निर्मला सीतारमन है कौन दोस्तों निर्मला सीतारमन जी है ठीक है ये भी याद रखिएगा ये आपसे पूछा जा सकता है और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर फाइनेंस कमीशन क्या दोस्तों फाइनेंस कमिश्नर ठीक है वो कौन है वो एन के सिंह है क्या फटाफट से बताएंगे जल्दी से जो अभी करंट में है 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 नंबर के के एन सिंह ठीक तो ये कुछ है, ये कुछ डिटेल्स याद रखना है। और यूनियन बजट दोस्तों अपने भारतीय संविधान में, में मेंशन नहीं है मतलब बजट मेंशन नहीं है वर्ड क्या मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दोस्तों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है और वो कौन से अनुच्छेद में है ये आपसे पूछा जाता है तो याद रखेगा अनुच्छेद एक में ठीक है चलें आगे। Very good, चले आगे वेरी गुड प्रशांत गोविंद ठीक है लोबजेंग बहुत बढ़िया चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड 100 परसेंट टेप वाटर सप्लाई इन रूरल एरियाज इन 2020 ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ठीक है फटाफट से इसका आंसर कर देंगे दोस्तों गोवा केरला मिजोरम और सिक्किम जल्दी से बताइए कौन सा स्टेट है गोवा कह रहे एबीडी ओके okay. बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों यहां पर क्या गोवा करेक्ट आंसर होगा या फिर नहीं तो यहाँ पे सभी का गोवा 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 तो दोस्तों जितने लोग गोवा कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों गोवा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छा दो, दोस्तों गोवा को राज्य का दर्जा स्टेट हुआ नाइनटीन गया वन में. में इसके दोस्तों अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें कौन है यहाँ पे दोस्तों प्रमोद सावंत है क्या दोस्तों फटाफट से बताएंगे प्रमोद सावंत ठीक है ये भी याद रखना है गोवा की कैपिटल क्या है दोस्तों गोवा की कैपिटल है पड़ाजी क्या है पड़ाजी कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों मांडोवी नदी के किनारे

जल्दी से बताइए फटाफट पड़ से यहां पर कह रहे हैं सर होना चाहिए डी ऑप्शन ओके ऐश्वर्या कह रहे हैं सर डी होना चाहिए बाकी भी कह रहे हैं सर डी ओके बाकी लोग तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जितने लोग डी कह रहे हैं उनका यहाँ पर गर, गलत हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन यस प्रशांत का करेक्ट है शालिनी का करेक्ट है वेरी गुड दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोहा क्या होगा दोहा दोहा किसकी कैपिटल है दोस्तों कतर की है किसकी कैपिटल है दोस्तों कतर की है ये भी याद रखेगा ये पूछा जाता है. चले हाँ कतर है अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहा दोस्तों हु अमंग दी फॉलोइंग राजपूत रूलर्स डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 दोस्तों यहां पर निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने यहां पर ग्यारह सौ इक्यानवे तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था मालदेव राठौर राणा कुंभा पृथ्वीराज चौहान या फिर बप्पा रावल सी 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 ऑप्शन तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे पृथ्वीराज चौहान कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते दोस्तों तो ये चाहमाना डायनेस्टी आप कह सकते हो या फिर इसी को कहा जाता है चौहान डायनेस्टी क्या कहा जाता है चौहान डायनेस्टी दोस्तों इनकी प्रेमिका कौन थी सहयोगता ठीक है और कहा जाता है भैया इन्होंने क्या किया प्यार में आकर ग्यारह में जीत तो गए लेकिन माफ कर दिया अब दुश्मन कभी नहीं छोड़ता ये तो अपन को पता है और किसका चक्कर है बाबू भैया किसका चक्कर है तो भैया इनका चक्कर है ठीक है अब इनके पिता कौन थे दोस्तों जयदेव थे कौन थे दोस्तों जयदेव थे या फिर कौन थे जल्दी से बताइए जयदेव थे या फिर कुछ और नाम था फटाफट से बताएंगे सभी लोग जयचंद यस जयदेव नहीं थे जयचंद यस जितने लोग जयचंद कह रहे हैं उनका करेक्ट आंसर ठीक है तो भैया इनके पिता का नाम क्या था जयचंद था ठीक है अब जयचंद को भी दोस्तों मोहम्मद गौरी ने हराया था मोहम्मद गौरी ने कब ग्यारह में कौन से युद्ध में दोस्तों चंदावर के युद्ध में किसमें दोस्तों चंदावर के युद्ध में ये याद रखेगा ठीक है ये आपसे पूछा जाता है अगले क्वेश्चन पे बढ़े चलिए वेरी गुड यहाँ पर शालिनी गोविंद अगला प्रश्न आपके लिए रहा दोस्तों हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड दस्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी दस बारह पंद्रह और चौदह जल्दी से बताइए कितनी थी क्या बात है त्रुथ वेरी गुड कैस दरेन बहुत बढ़िया बाकी लोग क्या कहते हैं फटाफट से बताएंगे दोस्तों हाँ जी बहुत बढ़िया दोस्तों जितने लोग यहां पर सर, पंदरा, 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 यहां पर कह रहे हैं सर उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छा देखिए अब दोस्तों असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये किसके तहत बना था ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बना था कैबिनेट मिशन प्लान कौन सा दोस्तों सिक्स उन्नीस सौ छियालीस अच्छा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए दोस्तों आइडिया किसने दिया था क्या एम एन रॉय ने दिया था रॉय ने ठीक है ठीक है अच्छा दोस्तों के एडवाइजर कौन थे जिनमें तो तो से तीन फेमस, आपने नाम भी सुने होंगे एक तो सुचित्ता कृपलानी कौन दोस्तों सुचित्ता कृपलानी थी ठीक है एक और कौन थी यहाँ पे सरोजनी नायडू जी ठीक है सरोजनी नायडू ठीक है और कौन थी दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित कौन दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित तो ये नाम याद रखना दोस्तों ये फेमस नाम थे उन पंद्रह में ठीक है चले आगे की तरफ बहुत बढ़िया कैसद कृष्णा शिल्पी कविता प्रशांत चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले सभी लोग क्या करेंगे फटाफट से शेयर करेंगे और लाइक करेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दी आउटर मोस्ट सेल ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट दोस्तों पर समूह 16 के यहाँ पर तत्व के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पांच चार तीन और आठ जल्दी से बताइए यहाँ पे कैश दरेन वेरी गुड नेहा ने भी सही बताया है एबीडी वेरी गुड जोकर छितिज बहुत बढ़िया प्रशांत जितने लोग दोस्तों यहां पर कह रहे हैं सर छ होना चाहिए उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पे छह करेक्ट आंसर होगा देखिए दोस्तों यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं सोलह की बात कर रहे हैं राइट दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पे शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दोस्तों रखने का फॉर्मूला क्या है टू एन स्क्वायर है ना पहले में अगर हम रखेंगे तो टू इंटू वन का स्क्वायर विच इज टू

यही एलिमेंट है अब ये सर क्या बता रहे हैं ओल्ड स्टाइल से डीपो अरे ये ट्रिक है दोस्तों ऑक्सीजन क्या दोस्तों ऑक्सीजन सल्फर ठीक है सल्फर सेलेनियम सेलेनियम टेलरियम ठीक है और पोलोनियम ठीक है तो दोस्तों ये अपने 16th ग्रुप के एलिमेंट हैं 16th ग्रुप को कहा क्या जाता है दोस्तों 17वें को तो हम हैलोजन कह देते हैं 16th को क्या कहते हैं तो दोस्तों चैलकोजन कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों चैलकोजन कहते हैं है ना और दोस्तों पंद्रवे को क्या कहते, है? निक्टोजन. क्या कहते, है निक्टोजन. निक्टोजन कहते हैं और सत्रोजन को, को क्या कहते हैं है? तो है. क्वेश्चन पे पढ़ेंगे अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों विच ऑफ नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प का भाग नहीं है पेटोले, या पिस्तिल जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है दोस्तों फटाफट से आपको भी नमस्ते फटाफट से जुड़ जाएंगे और आंसर आंसर करेंगे सभी सभी के साथ। सभी का आंसर आना ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जितने लोग कह रहे हैं सर ए ऑप्शन वेरी गुड गोविंद कैशरेन त्रुत बुशरा प्रशांत लिपुन एबीडी बहुत बढ़िया यहां पे पेट्रोले देखिए दोस्तों अगर हम बात करें वैसे तो मेरे से डायग्राम अच्छे से बनता नहीं है बट फिर भी ट्राई करते हैं ये दोस्तों अपनी लीफ क्या दोस्तों सॉरी लीफ है ठीक है ये लीफ है अब यहाँ से दोस्तों कुछ इस तरीके से ये है स्टेम। अब ये दोस्तों, ये दोस्तों होता है ना ये ज्वाइंट इसको कहते हैं पेटोले क्या कहते हैं दोस्तों पेटोले कहते हैं ठीक है अब ये पेटोले तो भैया पार्ट नहीं है फ्लावर का राइट फ्लावर का पार्ट ही नहीं है पिस्टिल जो होता है दोस्तों ये कौन सा पार्ट होता है ये इंटरनल पार्ट होता है इनर पार्ट होता है और ये फीमेल पार्ट होता है ठीक है फीमेल पार्ट है, सेपल। सेपल है है, होते, है है? होते हैं ये पेटल्स क्या होते हैं राइट पेटल्स कहलाते हैं है। उसी तरीके से दोस्तों सेपल्स भी होते हैं ठीक है ये याद रखेगा आपसे पूछा जा सकता है आगे बढ़े वेरी गुड प्रिंस शिल्पी चलिए बहुत बढ़िया सलोनी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा दोस्तों एलोकेशन टूवर्ड हेल्थ एंड वेल बी वॉज इंक्रीज बाई डैश ओवर द प्रीवियस ईयर इन यूनियन बजट 2021-22 ये भी करंट करंट अफेयर अफेयर का का क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए दोस्तों मैं का सिर्फ लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर का आपके लिए इसको हटा भी सकते थे बट रखने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता चल जाए कितने क्वेश्चन बजट से आते हैं कितने क्वेश्चन करंट अफेयर में कहां से पूछे गए ठीक है यहाँ पे हाँ नेहा का करेक्ट आंसर है और किसका है त्रिशा का करेक्ट आंसर है प्रशांत वेरी गुड वैष्णवी बहुत बढ़िया जोकर

यहाँ पे सीवेज कह रहे हैं प्रिंस वैष्णवी कह रहे हैं सर सीवेज होना चाहिए स्पोर्ट्स कह रहे हैं ठीक है तो दोस्तों जितने लोग सीवेज कह रहे हैं ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा देखिए दोस्तों तीन तरह के ट्रीटमेंट होते हैं एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है दोस्तों डायरेक्टली क्या करता है पर्सन क्या करेगा कचरे को निकालेगा राइट एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों सेकेंडरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट में दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होगा ठीक है माइक्रो ऑर्ग जाएंगे उसको क्या करेंगे करेंगे वो उस तरीके से किया जाएगा इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक होता है दोस्तों टर्शरी क्या होता है टर्शरी टर्शरी में हम क्या करते हैं दोस्तों केमिकल का यूज करते हैं क्या करते हैं दोस्तों केमिकल का यूज करते हैं ठीक है तो ये याद रखेगा चले तीन प्रकार के प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट होती है बहुत बढ़िया वेरी गुड यहां पर प्रिंस बहुत बढ़िया अगले क्वेश्चन पे पढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों द नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द दर्स्ट ट्वेंटी बर्थ इन अ गिवन ईयर और पीरियड डिफाइंड गिवेन दोस्तों किसी दिए गए वर्ष या फिर अवधि में प्रति हजार जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को डैश के रूप में भी परिभाषित किया जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी क्रूड मोर्टेलिटी न्यूनेटल मोर्टेलिटी या फिर एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी आप देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हाँ जिस किसका करेक्ट आंसर कैच द रेन का करेक्ट है शालिनी का करेक्ट है और किसी का नहीं आ रहा है दोस्तों मजा नहीं आएगा दोस्तों ठीक है यहाँ पे सी ऑप्शन जो कह रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है नवजात मृत्यु दर कहा जाता है ये याद रखिएगा ठीक है अच्छा दोस्तों अगर मैं 2011 सॉरी 21 के सेंसस की बात करूं और 2011 की दोनों की ठीक है 2011 की थीम क्या थी थीम क्या थी थी दोस्तों अवर सेंस क्या दोस्तों हमारा senses है हमारा फ्यूचर है हमारा भविष्य है ठीक है? ये थी पहले अब 2021 की क्या है दोस्तों जनगणना से क्या दोस्तों जनगणना से जन कल्याण क्या दोस्तों जनगणना से ही होगा जन कल्याण ऐसा ठीक है जनगणना से जन दो 2021 की थीम है ये याद रखेगा आपसे पूछा जाता है ठीक है चलें अगले क्वेश्चन के लिए वेरी गुड नेहा प्रिंस एबीडी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों विच ऑफ दी फॉलोइंग दार्टी सपोर्टेड दी मूव फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल निम्नलिखित में से किस दल ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था गदर पार्टी ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक ने किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किया था कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने किया था किसने सपोर्ट किया दोस्तों बताइए जोकर कह रहे हैं सर सी ऑप्शन होना चाहिए नेहा कह रहे हैं सर सी ऑप्शन होना चाहिए बाकी लोग बताइए दोस्तों क्या सी ऑप्शन यहाँ पर जो बता रहे हैं मित्र लोग वो करेक्ट होगा या फिर नहीं ठीक है तो दोस्तों जितने लोगों ने सी ऑप्शन कहा है ना उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है अच्छा दोस्तों ये बताइए बंगाल विभाजन की बात कब हुई थी 1905 के समय में हुई थी है ना और इसी के चलते फिर क्या स्टार्ट हो गया इसके तहत स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट कब आया था तो स्वदेशी मूवमेंट आया था 1905 में है ना किसको चलते भैया बंगाल विभाजन की बात करने के समय अब देखिए दोस्तों जब बंगाल विभाजन की बात हो रही थी उस समय लॉर्ड कौन सा था उस समय लॉर्ड कर्जन था कौन दोस्तों लॉर्ड कर्जन था ठीक है लेकिन दोस्तों इसको उन्नीस में वापस से क्या कर दिया गया था कैंसिल कर दिया गया था उस समय कौन था लॉर्ड हार्डिंगे कौन दोस्तों लॉर्ड हार्डिंगे था यह भी याद रखी ये आपसे पूछा जाता है ठीक है कि जब बंगाल विभाजन

ठीक है लाला जी के साथ एक और जी थे हाँ यहां पर कैश दरेन ने कहा है सोहन सिंह भाकना देखिए यहां पर याद रखिए सोहन सिंह भाकना भी थे ठीक है उनके साथ लाला हरदयाल भी थे नो डाउट ठीक है और साथ में सोहन सिंह जी का भी नाम याद रखिएगा किसका दोस्तों सोहन सिंह भाकना जी का भी नाम याद रखना है ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहा दोस्तों Who among the 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 following athlete was appointed as the deputy superintendent of police by the Assam government in February 2021? फरवरी पुलिस उपाध्यक्ष उपाध्यक्षिक के रूप में नियुक्त किया गया है एक अभियान दीपिका कुमारी हिमादास और दुति चंद नेहा ने सही बताया है कैच दरेन प्रिंस बहुत बढ़िया बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है तो दोस्तों जितने लोग हिमा दास हिमा दास हैं उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तो? दोस्तों हिमा दास यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगी इनको दोस्तों किस नाम से जानते हैं हम लोग ढिंग एक्सप्रेस किस नाम से दोस्तों ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाने जाती है, है? ठीक है अच्छा दोस्तों ढिंग एक्सप्रेस के नाम से ये जानी जाती है पायोली एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती है पायोली एक्सप्रेस तो पायोली एक्सप्रेस याद रखिएगा दोस्तों पीटी ऊषा क्यों किसको दोस्तों पीटी ऊषा ठीक है अच्छा दोस्तों पीटी ऊषा की एक फेमस किताब है जिसका नाम है गोल्डन गर्ल गोल्डन गर्ल ठीक है अच्छा दोस्तों गोल्डन गर्ल इनको बुलाया भी जाता था यह भी कॉमनवेल्थ गेम हुए अभी आपको पता है। आगे वो थी इंडिया फोर्थ पर था किस पे दोस्तों फोर्थ पर था कितने इंडिया ने मेडल जीते थे टोटल 61 जीते थे गोल्ड मेडल कितने जीते थे भारत ने 22 जीते थे ये याद ये आपसे पूछा जाता है चले आगे की तरफ तो ये सारी चीजें याद रखना है ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते श्वेत पर पर्वत के नाम से भी जाना जाता है जो ओयू लोसो धोलागिरी मोकालू जल्दी से बताइए किसको बोलते हैं दोस्तों व्हाइट माउंटेन के नाम से यहां पर क्षितिज ने कहा ऑप्शन नंबर थ्री होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों जितने लोग कह रहे हैं सी 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 उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर होगा ठीक है धौलागिरी अच्छा दोस्तों धौलागिरी की अगर हम बात करें इसकी हाइट कितनी दोस्तों एट वन सिक्स सेवन ठीक है एट वन सिक्स सेवन दोस्तों ये विश्व की सेवन टॉलेस्ट टॉलेस्ट जो है माउंटेन है ये भी याद रखिएगा टॉलेस्ट या फिर हम कह सकते हैं हाइएस्ट माउंटेन है सेवन ठीक है, है याद रखिए अच्छा पहली फिर कौन है पहली दूसरी तीसरी तो याद ही रहना चाहिए है ना पहली दोस्तों माउंट एवरेस्ट है

एट सिक्स डबल वन मीटर इसके बाद पहले नंबर पे ये दूसरे पे ये तीसरे पे कौन तीसरे पे दोस्तों कंचनजंगा कौन दोस्तों कंचनजंगा आपको कहां मिलेगा दोस्तों ये मिलेगा आपको सिक्किम में ठीक है इसको यूनेस्को का दर्जा 2016 हजार में दिया गया था इसकी हाइट दोस्तों आठ मीटर है एट मीटर ठीक है चले आगे की तरफ वेरी गुड रोहित लोबजैंग ऐश्वर्या ममता बहुत बढ़िया अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों मूसी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग रिवर दोस्तों मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है क्या वो कावेरी की है गोदावरी की है कृष्णा की है या फिर महानदी की है जल्दी से बताएंगे फटाफट से सभी को बताना है यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है सर कृष्णा होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहते हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर जितने लोग कृष्णा कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ठीक है दोस्तों मूसी नदी को मूसा नदी भी कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों मूसा नदी के भी नाम से जानी जाती है मुंशी की नदी के नाम से भी जानती है किस नाम से मुंशी ठीक है ये याद रखेगा दोस्तों मूसी नदी के किनारे एक फेमस सिटी है जिसका नाम हैदराबाद क्या है, है दोस्तों हैदराबाद है जो कि दोस्तों किसकी कैपिटल है तेलंगाना की तेलंगाना की कैपिटल है दोस्तों 2014 में तेलंगाना की कैपिटल बना दी गई थी, थी ये ठीक है 2014 में तेलंगाना फॉर्म हुआ उसके बाद इसकी कैपिटल बना दी गई अब बात आती है कावेरी निकलती है कहां से दोस्तों कावेरी निकलती है तलकावेरी से तलकावेरी से अब तलकावेरी कहां पर है तलकावेरी दोस्तों ब्रह्मगिरी हिल पर है दोस्तों ब्रह्मगिरी हिल ठीक है अब ब्रह्मगिरी हिल कहां पर है तो दोस्तों ये साउथ वेस्ट ऑफ कहां पर है दोस्तों कर्नाटका कहां पे दोस्तों कर्नाटका तो कर्नाटका से निकलती है ठीक है अच्छा दोस्तों गोदावरी की बात करें गोदावरी कहां से निकलती है ये त्रिंबकेश्वर से निकलती है कहां से दोस्तों त्रिंबकेश्वर अब त्रिंबकेश्वर कहां पर है दोस्तों ये नासिक में है और नासिक कहां पर है महाराष्ट्र में है कहां पर दोस्तों, दोस्तों? महाराष्ट्र में है कृष्णा नदी कहां से निकलती है दोस्तों महाबलेश्वर से अब महाबलेश्वर कहां पर है दोस्तों महाबलेश्वर आपको महाबलेश्वर में मिलेगा है ना ठीक है तो वो कहां पर है महाराष्ट्र में ठीक है अच्छा दोस्तों महानदी महानदी इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो बांध है वो महानदी पर ही है ठीक है महानदी निकलती है मैकाल रेंज से कहां से निकलती है दोस्तों मैकाल रेंज से निकलती है और मैकाल रेंज पे दोस्तों छत्तीसगढ़ पे ठीक है छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ से ये निकलती है और इसपे दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध है जिसको हम कहते हैं हीराकूड बांध ठीक है पर है दोस्तों संबलपुर जिले में पर दोस्तों संबलपुर जिले में है है ठीक और दोस्तों संबलपुर जिला कहां पर है, है, है? है? उड़ीसा में है ये याद रखेगा जिला पूछा जा चुका है एग्जाम में ठीक है चले आगे की तरफ वेरी गुड अंजलि शादाब शिल्पी दिव्यांशु दिव्या चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे फटाफट सभी लोग क्या करेंगे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे अगला सवाल आपके लिए दोस्तों द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच केम इनटू फोर्स इन दोस्तों आपको बताना है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यहाँ पर संसद का एक अधिनियम है जो लागू हुआ 2012 में 2011 में 2010 में और 2009 में दोस्तों इसको आपने बहुत बार किया और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था C option, C option, C option, तो दोस्तों यहाँ पे जितने लोग कह रहे हैं उनका भाई होगा होगा। पर करेक्ट आंसर अब देखिए दोस्तों ये कौन से संशोधन के तहत आया था तो दोस्तों छियासवे संशोधन के तहत आया था है ना कब आया था दो में आया था इसलिए क्या क्या चेंजेस किए तो आर्टिकल ट्वेंटी 21, वन ए जिसको हम कहते हैं इक्कीस आ ये ऐड कर दिया कहां पर दोस्तों ये एड कर दिया गया फंडामेंटल राइट में है ना क्या एक किसी कहता दोस्तों छह से चौदह साल के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है राइट टू एजुकेशन की बात करता है आर ई की बात करता है ठीक है ये याद रखिए आर नहीं ने दोस्तों आर ई की बात करता है दोस्तों यहाँ पर अगर हम अनुच्छेद 45 की बात करें डीपीएसपी में भी दोस्तों एजुकेशन की बात की गई है वहां पर लेकिन क्या कहा गया दोस्तों जो जीरो से शून्य से छह साल तक के बच्चे होते हैं तो उनकी केयर और पढ़ाना है लेकिन दोस्तों ये कैसा है जस्टिफेबल नहीं है जस्टिफेबल फंडामेंटल राइट है तो ये दोस्तों ये अनिवार्य है करना पड़ेगा ठीक है हक है आगे बढ़े बहुत बढ़िया एनोनिमस शदाब वेरी गुड एनोनिमस दो पांच में आर टी था बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहा

यहां पे कई लोग कह रहे हैं सर चार सौ होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों तो दोस्तों यहां पे पांच सौ का चार सौ नहीं होगा दोस्तों एक दूसरे को फॉलो नहीं करना है ठीक है यहां पे अच्छा दोस्तों यहां पर जल शक्ति मंत्रालय किसके अंडर में है जल्दी से बताइए जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है ठीक है फटाफट से बताएंगे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है हाँ फाइव हंड्रेड सही है बिल्कुल फटाफट से बताइए दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यस yes, यहां पे नेहा ने सबसे पहले आंसर दिया है फिर क्षितिज ने दिया है वेरी गुड क्षितिज बुशरा ऐश्वर्या कृष्णा पिनाका बहुत ठीक है तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा गजेंद्र सिंह सिखावत क्या होंगे दोस्तों गजेंद्र सिंह सिखावत यहां पर आंसर होंगे ठीक है बहुत बढ़िया जिन्होंने सिखावत सिर्फ लिख दिया जिन्होंने सिर्फ गजेंद्र लिख दिया जिन्होंने पूरा लिख दिया उन सबका करेक्ट आंसर है ठीक है चले आगे की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहा दोस्तों यहाँ पर न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड डैश इन हाइड्रोफाइट्स दोस्तों आपसे पूछा गया यहाँ पे सुशासन मूल यहाँ पर जलो जलो भिन्न के में डैश विशेष होती है फ्रूट्स रूट्स फ्लावर्स और सीड्स जल्दी से बताइए क्या होती है दोस्तों यहाँ पर रूट्स कह रहे हैं ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों क्या रूट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा या फिर नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे रूट्स 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 तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर जितने लोग रूट्स कह रहे हैं उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ठीक है ऑप्शन नंबर टू अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए प्लांट में वाटर कौन सप्लाई करता है तो दोस्तों याद रखिएगा जाइलम कौन दोस्तों जाइलम करता है ठीक है और दोस्तों फूड कौन करता है फूड आपसे पूछा जाता है तो फूड करता है फ्लोयम क्या दोस्तों फ्लोयम अब कैसे याद रखिये बड़ा कंफ्यूजन होता है देखिए फ से फूड ठीक है फ्लोयम को भी जब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कह रहे हैं तो फ आ रहा है फ्लोयम तो फास्ट फास से रिलेट कर लेंगे इसको और बाकी वाटर को ज़ाइलम करता है ये याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़े चलिए वेरी गुड वेरी गुड ममता नारायण शदाब बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहा दोस्तों अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020 21 रियल जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू रिकॉर्ड डैश ग्रोथ इन द फिस्कल ईयर दोस्तों आपसे पूछा गया आर्थिक सर्वेक्षण 2020 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 22 में भारत की वास्तविक जीडीपी डैश वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है 10.8 uh, 12.3 11.0 और 13.5 12.3 कह रहे थे ओके प्रिंस पिनाका बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों क्या ट्वेल्व पॉइंट थ्री इज द करेक्ट आंसर और नॉट ठीक है तो सभी का आ गया दोस्तों जितने लोग यहाँ पर कह रहे हैं सर ट्वेल्व पॉइंट थ्री उनका यहाँ पर भाई गलत हो जाने वाला है ठीक है करेक्ट आंसर यहाँ पर किसी ने किसी ने भी नहीं दिया है ठीक है किसी ने भी नहीं दिया है हाँ एक ने दिया है अब वो किसने दिया था अब शायद नाम जल्दी से चला गया ग्यारह करेक्ट आंसर होगा ठीक है ग्यारह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे बढ़े हाँ बुशरा ने दिया है शायद बुशरा ने करेक्ट आंसर दिया वेरी गुड बुशरा चलिए अगला क्वेश्चन पे in अप्रत्यक्ष कर गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स इनकम टैक्स या फिर कैपिटल गेन्स टैक्स जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है फटाफट फड़ से बताएंगे यहां पे जीएसटी 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 कह रहे हैं बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे जितने लोग कह रहे हैं सर जी यहाँ पे जीएसटी उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर करेक्ट आंसर होगा अच्छा दोस्तों जीएसटी डे हम कब मनाते हैं एक जून को मनाते हैं या एक जुलाई को मनाते हैं दोस्तों फटाफट से बताएंगे एक जून को मनाते हैं या एक जुलाई को ठीक है ये आपसे पूछा जाता है दोस्तों की जीएसटी डे कब मनाया जाता है तो फटाफट से बता दीजिए दोस्तों एक जून होगा या एक जुलाई रॉकर्स ने एक जुलाई कहा है जोकर ने एक जुलाई कहा है रोहित ने एक जुलाई कहा है ठीक है तो दोस्तों जितने लोग जुलाई वाले हैं उनका तो करेक्ट आंसर है जून वाले गलत हो जाएंगे जून वैसे किसी ने दिया नहीं है बहुत बढ़िया दोस्तों एक, एक संशोधन के तहत आया था ठीक है एक से एक, एक संशोधन के तहत आया था कौन से अनुच्छेद में है ठीक है अनुच्छेद दोस्तों पूछा जाता है टू सेवेंटी नाइन ए ये आपके एग्जाम में पूछा गया था एस एस सी में ठीक है कौन से अनुच्छेद अनुच्छेदी नाइन ए में है फादर ऑफ जीएसटी आपसे पूछा गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी ये भी याद रखेगा ठीक है कितने मेंबर होते हैं दोस्तों थर्टी थ्री मेंबर्स होते हैं क्या ठीक है जिसमें से दोस्तों दो मेंबर जो होंगे दो मेंबर सेंट्रल के होंगे और इकतीस मेंबर जो होंगे वो दोस्तों स्टेट और यूनियन टेरिटरी के होंगे ठीक है चलें आगे बहुत बढ़िया अस्मिन शौर्य गोविंद ऐश्वर्या नलनी बहुत बढ़िया अगले प्रश्न में पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे 260 लोग लाइव है लेकिन लाइक सिर्फ 138 फटाफट से इसको भी 200 के ऊपर लेके चलते हैं अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों द अथर्वेद इज कलेक्शन ऑफ डैश खंडाज दोस्तों अथर्वेद डैश खंडों का एक संग्रह है बीस खंडों का है दस खंडों का है पंद्रह और पांच कितने खंडों का है दोस्तों संग्रह ये फटाफट पड़ से जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे कितने खंड हैं इसमें 20 कह रहे हैं हैं ओके बाकी लोग क्या कहते दोस्तों ठीक है तो दोस्तों जितने लोग 20, 20 कह रहे हैं और कुछ लोग दस भी कह रहे हैं तो दोस्तों दस यहां पर क्या होगा गलत हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा बीस जितने लोग कह रहे हैं बीस क्योंकि देखिए आप दस किसका बता रहे हो ऋग्वेद का बता रहे हो पूछ किसका रहा है अथर का पहले दोस्त देखो तो दोस्तों ठीक है दस जितने लोग बता रहे हैं वो ऋग्वेद का बता रहे हैं करेक्ट आंसर पे बीस खंडाज है, और को हम 20 बुक कहते है। कितने हाइम है जैसे दोस्तों आपने देखा था एक हजार अट्ठाईस जो है हाइम है किसमें आपके ऋग्वेद में तो इसमें भी पूछा जाता है तो इसमें भी आपको याद रखना है कितने हाइम है दोस्तों सात सौ तीस कितने दोस्तों सात सो तीस हाइम है ठीक है और छह हजार क्या है दोस्तों छह हजार इसमें क्या है फटाफट से मंत्राज हैं। क्या दोस्तों हजार मंत्राज है ये भी आपको याद रखना है ये आपसे पूछा जाता है ओल्डेस्ट वेद कौन सा है दोस्तों ओल्डेस्ट वेद है आपका ऋग्वेद सबसे पुराना ऋग्वेद है उसके बाद दोस्तों जो अथर्वेद यजुर्वेद थे ये लेटर वेदिक पीरियड में आए थे ठीक है आगे बढ़े ठीक <laughs> है यहाँ पे सभी का आ गया है चले हाँ जितने लोग काला जादू काला जादू कह रहे भाई ठीक है काला जादू ठीक है अगले क्वेश्चन पे बढ़े अगला सवाल आपके लिए दोस्तों ये रहा दोस्तों हु अमंग फॉलोइंग इज दी दी ऑथर ऑफ बुक सोशल हार्मनी दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं क्या वो एच डी देवगौड़ा है मनमोहन सिंह जी हैं नरेंद्र मोदी हैं या फिर पी वी नरसिम्हा राव है फटाफट बताइए यस जूलियस सीजर गुड मॉर्निंग फटाफट से जुड़ जाएंगे सभी के साथ यहाँ पे सी ऑप्शन कह रहे हैं दीपा ओके okay, बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे सी ऑप्शन ओके चलिए दोस्तों जितने लोग यहाँ पर सी ऑप्शन सी ऑप्शन कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे नरेंद्र मोदी ये याद रखा इनकी दोस्तों एक और फेमस अभी बीच में हुई थी बुक आपको पता होगा एग्जाम वॉरियर दोस्तों एग्जाम वॉरियर वो भी याद रखेंगे ठीक है चलिए अच्छा दोस्तों ये क्या है अभी प्राइम मिनिस्टर है राइट ये क्या है प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री कौन से अनुच्छेद में मेंशन रहते दोस्तो? 75, में में? में में दोस्तो, हैं, हैं। दोस्तों आर्टिकल है किसमें अनुच्छेद मुर्मू बनी है ठीक है ये याद रखेगा चौदवे नंबर पे दोस्तों आपको पता है जगदीप धनखड़ कौन दोस्तों जगदीप धनखड़ ये भी याद रखेंगे आपसे पूछा जा सकता है अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अगला सवाल आपके लिए दोस्तों ये रहा दोस्तों व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग सिमेट्रीज इज एग्जीबिटेड बाय दी आर्थोपोड्स दोस्तों आप बताना है निम्नलिखित में से कौन सी यहां पर सममिति आर्थोपोड्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है एक्सियल ट्रांसलेशन रेडियल या फिर बायलैटरल जल्दी से बताइए कैसे करते हैं दोस्तों फटाफट से यहां पे कह रहे सर रेडियल होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग डी के साथ जा रहे हैं कुछ लोग सी के साथ तो दोस्तों यहाँ पर बाइलेट्रल होता है ठीक है रेडियल नहीं होता है यहाँ पर पार्शव होता है करेक्ट आंसर होगा बाइलेट्रल क्या होगा दोस्तों, दोस्तों बायलेट्रल करेक्ट आंसर होगा आर्थोपोडा सबसे बड़ा होता है दोस्तों अगर हम बात करें इसकी तो आर्थोपोडा सबसे बड़ा होता है इसके अंदर क्या आते हैं दोस्तों इसके अंदर आते हैं इंसेक्ट्स क्या दोस्तों इंसेक्ट्स ठीक है आर्थोपोडा के बाद अगर कोई बड़ा है दोस्तों फाइलम तो दोस्तों वो कौन है मुलस्का क्या दोस्तों मुलस्का ठीक है याद रखिएगा मुलास्का दोस्तों सॉफ्ट होते हैं और इसका एग्जाम्पल ऑक्टोपस के दोस्तों ऑक्टोपस मैंने आपको बताया भी था ये आपसे पूछा जाता है ठीक ठीक है है अगले अगले सवाल पे अगले सवाल पे पे बैठते हैं हैं और आंसर करते हैं। अगला सवाल दोस्तों, आपके सामने ये रहा। दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से राष्ट्रपतियों में से किसी ने भारत के संविधान के सौवे संशोधन को स्वीकृत प्रदान की रामनाथ कोविंद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एपीजे अब्दुल कलाम या फिर प्रणब मुखर्जी जल्दी से बताइए यहाँ पे कह रहे प्रणब मुखर्जी होना चाहिए और दोस्तों बाकी लोग क्या कहते हैं ठीक है सभी का प्रणब मुखर्जी प्रणब मुखर्जी आ गया दोस्तों लोग प्रणब मुखर्जी कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चले करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा प्रणब मुखर्जी क्या होंगे दोस्तों यहाँ पे प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे ठीक है इनकी दोस्तों एक फेमस किताब है चैलेंजेस बिफोर नेशन क्या दोस्तों चैलेंजेस बिफोर नेशन इनकी एक फेमस किताब है याद रखिएगा अच्छा अब ये दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सोवा जो ये संशोधन था ये किससे रिलेटेड था तो दोस्तों ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किसके दोस्तों बाउंड एग्रीमेंट से रिलेटेड था बाउंड्री एग्रीमेंट से ठीक है बाउंड्री एग्रीमेंट किसके किसके बीच था तो दोस्तों याद रखिएगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में किसके दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अब देखिए दोस्तों इंडिया जो है 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 वो सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। किसके साथ साथ बांग्लादेश के कितना 4096 किलोमीटर ठीक अप्रोक्सी एग्जैक्टली स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है अप्रोक्सीमेटली ठीक है हो सकता है ऊपर नीचे हो थूक लगा के काउंट नहीं किया है फिर हेराफेरी वाला डायलॉग है ठीक है कोई बात नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए अगला सवाल दोस्तों आपके सामने ये रहा दोस्तों as per the Hindu Succession Act 1956 who among the following has the first right over the property of a Hindu woman who dies intestate दोस्तों आप बताना यहाँ पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार इनमें से किसके पास बिना वसीय, वसीयतनामा के मरने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार होगा द लीगल हीर्स ऑफ हर हस्बैंड या फिर हर हस्बैंड द लीगल हीर्स ऑफ हर फादर या फिर हर पेरेंट जल्दी से बताइए फटाफट से बताएंगे यहां पे सब कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी 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 तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा हर हस्बैंड ठीक है ये याद रखिएगा। कई लोग कह रहे हैं सर पति परमेश्वर ठीक है चलिए कोई नहीं पति परमेश्वर ठीक है हर हस्बैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर भारत के संविधान में द्विसदनी संसद का प्रावधान करने का विचार डैश संविधान से लिया गया फ्रेंच से लिया गया कैनेडियन से लिया गया आयरिश से लिया गया या फिर ब्रिटिश से लिया गया यहाँ पे कह रहे सर ब्रिटिश होना चाहिए ओके ममता कह रहे सर बी होना चाहिए कनाडा से कुछ लोग कह रहे हैं बाकी लोग क्या कह रहे दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा

आयरिश से हमने दोस्तों डीपीएसपी लिया डीपीएसपी क्या दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज के नीति निर्देश ठीक है ब्रिटिश से हमने क्या लिया दोस्तों इससे हमने तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ली तो है एकल नागरिकता है थीके? अगर आप भारत के नागरिक हो तो कहीं और की नागरिकता नहीं ले सकते हो अक्षय कुमार जी ने अपना दिमाग नहीं लगाया उन्होंने ले ली कैनेडा की नागरिकता तो उनको छोड़नी पड़ेगी ठीक है आप एक ही नागरिकता रख सकते हो सानिया मिर्जा दिमाग लगा के उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी पाकिस्तान में अलग नाम से दबदबा और यहाँ पे अलग नाम से दबदबा राइट ठीक है तो करेक्ट आंसर यहां पे होगा ब्रिटिश ठीक है अब देखिए बाय कैमरल मतलब द्वि सदनी द्वि सदनी मतलब होता है द्विसदनी द्विसदनी मतलब दोस्तों जहां पे लोकसभा और राज्यसभा मतलब दो सदन हो ठीक है जैसे स्टेट में क्या होता है राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद दोनों होते हैं सेंट्रल पे क्या होता है सॉरी लोकसभा और राज्यसभा तो इसको हम कहते हैं बाई कैमरल अच्छा दोस्तों एक बात बताइए कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर अपने यहां बाई कैमरल है फटाफट से बताइए कितने राज्य हैं जल्दी से फटाफट से बताना है आ, हाँ कटा या ट्रिक तो बहुत अच्छे से याद की रहे हैं आप लोगों ने छह 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 ठीक है छह यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमने ट्रिक क्या याद की थी दोस्तों कटा बम ठीक है फटा बम की जगह दोस्तों कटा बम भाई फटाबम तो हमने सुना था पहली बार कटा बम कटा बम दोस्तों क्या होगा के से कर्नाटका हो जाएगा टी से तेलंगाना ए से आंध्र प्रदेश ठीक है बी से बिहार ठीक है यू से उत्तर प्रदेश और एम से क्या होगा महाराष्ट्र ठीक है तो ये याद रखिएगा कटाबम यहां पर बाई कैमरल है बाकी जगह यूनिकैमरल है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहा ंग दी फॉलोइंग रोट इंडियन विंस फ्रीडम दोस्तों आपको किसी India इंडिया फ्रीडम लिखी है क्या वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है अबुल कलाम आजाद ने जसवंत सिंह ने या फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है फटाफट से सभी को बताना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा चलिए दोस्तों यहाँ पर यहाँ पे कह रहे सर ऑप्शन नंबर टू होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों जितने लोग ऑप्शन नंबर टू कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ठीक है दोस्तों जितने लोग ऑप्शन नंबर अबुल कलाम आजाद है। अच्छा दोस्तों अबुल कलाम आजाद जो थे, ये यंग, आ, यंगेस्ट थे दोस्तों पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ये भी याद रखिएगा आपसे पूछा जाता है अच्छा जवाहरलाल नेहरू जी की कई बार किताबें पूछी जाती है जैसे दोस्तों डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया ठीक है ये पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है दोस्तों ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री क्या दोस्तों ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये भी पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है दोस्तों फटाफट से बताएंगे और कौन सी किताब है इनकी फेमस यहां पे कह रहे हैं अच्छा यहां पे मैंने गलत लिख दिया क्या अच्छा 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 ठीक है ठीक है कोई बात नहीं ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे दोस्तों अबुल कलाम आजाद जो है यहाँ पे गलती से इंडिया विंस फ्रीडम है तो यहाँ पे हा राजेंद्र प्रसाद की ठीक है हाँ बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर एप, अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे ठीक है ये याद रखेगा आपसे पूछा जाता है देखिए किताब पूछी जाती है यहाँ पर विंग्स ऑफ फायर कौन सी दोस्तों विंग्स ऑफ फायर तो विंग्स ऑफ फायर भी याद रखिएगा इगुनाइटेड Ignited माइंड इग्नाइटेड माइंड और कौन सा दोस्तों इंडिया 2020, ठीक है ए पीजे अब्दुल कलाम सर है ठीक है याद रखेगा ठीक है आगे बढ़े चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा ठीक है ये रहा दोस्तों, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ दिडे सो अंठानवे ईस्वी में भारत का आक्रमण किया था क्या वो खिलजी डायनेस्टी के समय में तुगलक के समय में स्लेव के समय में या फिर सैयद के समय में जल्दी से बताइए यहां पर स्लेव स्लेब कह रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर

खिलजी डायनेस्टी ठीक है टी से क्या होगा दोस्तों तुगलक डायनेस्टी ठीक है तुगलक डायनेस्टी से से सैयद डायनेस्टी ठीक है और लो से लोधी डायनेस्टी इसी दोस्तों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आई थी तो इसको याद इसको याद नहीं ठीक है आगे बढ़े हाँ बहुत सख्त से बहुत सख्त से लोग थे ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा ठीक है दोस्तों यहाँ पे डैश वॉज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी इन एशियंट इंडिया दोस्तों डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था ताम्रलिप्ति अचीच्रा चंपा या फिर दोस्तों ये हमने पहले भी आई गेस किया हुआ है तो इसमें गलती तो नहीं होनी चाहिए फटाफट से बताएंगे पे पे लोथल लोथल ऑप्शन में नहीं है है दोस्त ठीक करेक्ट आंसर कह रहे सर ए होना चाहिए ए होना चाहिए तो दोस्तों ए ऑप्शन पे करेक्ट आंसर होगा देखिए दोस्तों जितने लोग लोथल कह रहे हैं लोथल दोस्तों हड़प्पन साइट में बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉकयार्ड था ठीक है गुजरात में दोस्तों गुजरात में ठीक है गुजरात में और यहाँ पे दोस्तों डॉकयार्ड पाया गया था ठीक है कौन से दोस्तों राज्य में तो हमने देख लिया याद रखिए कौन से नदी किनारे तो भोगावा नदी किनारे कौन से दोस्तों भोगावा नदी किनारे ये भी याद रखेगा ये पूछा जाता है ठीक है अगर हम बात करते हैं दोस्तों बंदरगाह की सबसे ज्यादा बंदरगाह कहां पर है तो महाराष्ट्र में दोस्तों अगर हम प्रेजेंट में देखें महाराष्ट्र में दोस्तों 40 प्लस बंदरगाह है ठीक है दोस्तों अगर सबसे की बात करें तो जेलैंड पोर्ट क्या दोस्तों जेलैंड पोर्ट सबसे डीपेस्ट पोर्ट अगर पूछ लेगा तो डीपेस्ट पोर्ट याद रखेगा विशाखापट्टनम कौन से दोस्तों डीपेस्ट पोर्ट जो है वो कौन सा है विशाखापट्टनम ठीक है याद रखेगा ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एस में इसी बार ठीक है चलिए वेरी गुड रोहित सालिनी दीपा बुशरा कैश अगले क्वेश्चन द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका यहां पर कीचड़ के छींटे मारते हुए और खेतों में दौड़ते हुए एक आदमी द्वारा यहां पर दहाड़ती भैंसों की दौड़ कर्नाटका के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थल है कंबाला या फिर पट्टाडकल या फिर करागा या फिर महामस्त कभिशेका जल्दी से बताइए कंबाला 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 तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कंबाला हो जाएगा ये याद रखिएगा ठीक है एक दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे बुल से भी रिलेटेड है जिसको हम कहते हैं जली कट्टू याद है बुल से रिलेटेड ठीक है तो ये भी याद रखिएगा बुल से रिलेटेड पूछा जा सकता है जलीकट्टू अच्छा दोस्तों सभी लोग बताएंगे कि किस राज्य में मनाया जाता है ये आपका होमवर्क है ठीक है स्टेट आपको बताना है कि जलीकट्टू कहां पर मनाया जाता है ये आपको पूछा जाता है अब देखिए दोस्तों इस बार कौन सा आपसे त्यौहार पूछे गए थे आपके एग्जाम में एक पूछा गया था दोस्तों खर्ची पूजा क्या पूछा गया था दोस्तों आपसे खर्ची पूजा पूछा गया था एस में है ना पे मनाते हैं दोस्तों त्रिपुरा में मनाते हैं एक पूछा गया था डूमरी फेस्टिवल क्या पूछा गया था डूंगी फेस्टिवल डूंगी फेस्टिवल कहा मनाते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ठीक है एक और क्या पूछा गया था डूंगरी फेस्टिवल पूछा गया खर्ची पूजा पूछा बोनालू बोनालू का त्यौहार पूछा गया बोनालू पे मनाते हैं दोस्तों बोनालू तेलंगाना में ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपके एस एस्सी में पूछे जा रहे हैं ठीक है तो इसका मतलब एस एस्सी कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर जो है वही प्रेमी है ठीक है आगे बढ़े बहुत बढ़िया ज्योति एनोनिमस ट्रुथ ब्लैक बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहा दोस्तों इन द फ्लोकुलेशन मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट डैश केमिकल इज एडेड टू वाटर दोस्तों यहां पर जल उपचार की uh, विधि में पानी में डैश रसायन मिलाया जाता है इलेक्ट्रो न्यूट्रल लो नेगेटिव लो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज या फिर हाई नेगेटिवली चार्ज कौन सा मिलाया जाता है दोस्तों फटाफट से और दोस्तों यहां पर हम लोग दो सौ अस्सी लोग लाइव हैं फटाफट से इसको तीन सौ लाइव करेंगे और तीन सौ लाइव करेंगे जल्दी जल्दी से यहां पर ए ऑप्शन कह रहे हैं बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों क्या ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर होगा या फिर नहीं होगा ठीक है तो दोस्तों जितने लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं उनका यहां पर गलत हो जाएगा दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसमें हम लोग ऐड करते हैं पॉजिटिवली चार्ज देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं पॉजिटिवली देखिए यह है, है मटका मटका है इसमें पानी है इसमें दोस्तों गंदा पानी है ठीक है पार्टिकल्स है अब हमने पॉजिटिव चार्ज इसमें डाल दिया ठीक है ठीक है पॉजिटिव चार्ज जैसे ही डालेंगे तो ये क्या करेंगे ये निगेटिव चार्ज है ये इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे क्या हो जाएंगे अट्रैक्ट होंगे

सेवन 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 तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ठीक है दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर होगा सेवन क्या बात है बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहा दोस्तों विद विच ऑफ दुड यू एसोसिएट दी रिंग ऑफ फायर दोस्तों यहाँ पर आप निम्नलिखित में से किस महासागर से रिंग ऑफ फायर को संबंध करेंगे पैसिफिक इंडियन अटलांटिक या फिर आर्कटिक जल्दी से बताइए हाँ पिछले का सेवन करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं सर होना चाहिए प्रशांत ओके बहुत बढ़िया यहाँ पे दोस्तों पैसिफिक पैसिफिक आंसर आ रहा है जितने लोग पैसिफिक कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है, है आपको पैसिफिक और इसी में सबसे डीपेस्ट जिसका नाम है मरीना ट्रंच क्या दोस्तों मरीना ट्रंच है ये याद रखेगा अब ये दोस्तों अगर हम इसी की बात कर ले रिंग ऑफ फायर इसकी अगर हम बात करें लंबाई कितना दूर तक फैला है चालीस किलोमीटर तक फैला है दोस्तों चालीस हजार किलोमीटर तक अब दोस्तों अगर इसकी चौड़ाई की बात करें कितने चौड़ाई है दोस्तों तो लगभग पांच सौ किलोमीटर इतना बड़ा है दोस्तों रिंग ऑफ फायर ये भी याद रखिएगा पैसिफिक ओशियन में ठीक है अगर मरीना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट ट्रेंच इसी में है ठीक है मरीना ट्रेंच ठीक है अप्रोक्सीमेटली ग्यारह किलोमीटर दोस्तों इसकी डेप्थ है ये याद रखेगा चले आगे वेरी गुड शालिनी क्या बात है सब लोगों ने भाई बिल्कुल एकदम रट रखा है बहुत बढ़िया हाँ जो कर वेरी गुड अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहा दोस्तों ठीक है व्हाट इज दी नट ऑफ एन ओक ट्री कॉल्ड दोस्तों ओक या बलूत के पेड़ uh, के फल को क्या कहा जाता है चेस्टनट कहते हैं कोला नट कहते हैं मैकेडमिया कहते हैं या फिर अकॉन कहते हैं फटाफट बताइए दोस्तों यहां पर क्या होगा यहां पे फटाफट से ए ऑप्शन ओके अकॉन बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों तो दोस्तों यहां पे जितने लोग कह रहे हैं सर डी ऑप्शन कविता रॉकर कैसद ब्लैक एथोस क्षितिज बहुत बढ़िया ममता यहां पे करेक्ट आंसर होगा अकॉन अकॉन कहा जाता है ये याद रखेगा ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला सवाल दोस्तों उड़ीसा है सेट डैश एज दी टारगेट ईयर फॉर प्रोवाइडिंग हंड्रेड परसेंट फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन इन एवरी रूरल हाउस होल्ड दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा ने प्रत्येक ग्रामीण घर में सौ प्रतिशत कार्यात्मक घरेलू नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्ष्य वर्ष डैश के रूप में निर्धारित किया है दो हजार बाईस तेईस तेईस चौबीस चौबीस पच्चीस और पच्चीस छब्बीस फटाफट से बताएंगे पच्चीस छब्बीस कह रहे हैं यहाँ पे ऐश्वर्या कृष्णा ने कहा सर होना चाहिए डी ऑप्शन मतलब पच्चीस छब्बीस के साथ जा रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं सर ए ऑप्शन होना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने लोग 25 26 कह रहे हैं उनका गलत होगा यहाँ पे न्यूटन का करेक्ट आंसर है वेरी गुड न्यूटन ठीक है सुलेखा डाउट मत करिए आपका करेक्ट आंसर है अंजलि का करेक्ट आंसर है ठीक है बी ऑप्शन जितने लोग कह रहे हैं दोस्तों दो हजार उनका करेक्ट आंसर होगा अब देखिए दोस्तों बात आती है उड़ीसा की ठीक है उड़ीसा की कैपिटल क्या है दोस्तों भुवनेश्वर है क्या दोस्तों भुवनेश्वर है और दोस्तों उड़ीसा में सबसे बड़े यहाँ पर दोस्तों खारे पानी की झील है जिसको हम कहते हैं चिलका लेक और चिल्का लेक दोस्तों सबसे पहला रामसर साइट है ठीक है अपने भारत का दोस्तों सबसे बड़ा uh, सबसे पहला सबसे बड़ा नहीं सबसे पहला ठीक है चिल्का लेक अब देखिए दोस्तों रामसर साइट वैसे तो भारत में पचहत्तर है ठीक है सबसे बड़ा कौन सा है सुंदरबन है कौन सा दोस्तों सुंदरबन है और सबसे छोटा दोस्तों रेणुका लेक है क्या दोस्तों रेणुका लेक है ठीक है ये तो अलग है ठीक है अब देखिए दोस्तों उड़ीसा में ही आपको कौन सा नेशनल पार्क मिलेगा सिमली पाल क्या दोस्तों सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा ठीक है सिमली पाल याद रखेंगे और कौन सा मिलेगा भीतर कनिका मिलेगा क्या दोस्तों भीतर कनिका तो ये भी याद रखिएगा भीतर कनिका आपको मिलेगा मंदिर बहुत सारे हैं दोस्तों जैसे जगन्नाथ मंदिर है ठीक है जगन्नाथ मंदिर है लिंगराज मंदिर है कौन सा दोस्तों लिंगराज मंदिर है और कौन सा दोस्तों कोणार्क मंदिर है तो ये याद रखना है ये पूछा जा सकता है आगे बढ़े अगले सवाल पे वेरी गुड यहां पर जोकर न्यूटन ऐश्वर्या अगले पे पढ़ते। दोस्तों अगला सवाल आपके लिए बच्चों right right uh, आप का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था दो हजार नौ बारह पांच और सात अब देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है एसएससी का प्रीवियस ये बस उन्होंने पूछने का तरीका बदल दिया वहां पे दोस्तों क्वेश्चन में मेंशन किया था जहां पर आंसर जो पूछ रहा है वो वहां पर क्वेश्चन में मेंशन किया था 2009 होगा ठीक है अब देखिए दोस्तों लेकिन लागू कब से हुआ था 2010 में कब से दोस्तों 2010 में ठीक है आया कब था छियासवे संशोधन के तहत आया था दो दो में देखिये क्वेश्चन पूछने का बस तरीका अलग है बाकी पूछ वही रहा है, है ना चले आगे बहुत बढ़िया स्वाति अजय राहुल वेरी गुड अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहा दोस्तों approximately how much percentage यहाँ पर ऑफ टोटल वाटर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अकाउंटेड फॉर द ओशियन दोस्तों आपसे पूछा गया पृथ्वी की सतह पर कुल जल का लगभग कि कितना प्रतिशत जो है महासागरों के लिए जिम्मेदार है संतानवे चौरानवे बानवे और छियानवे यहाँ पे कैच कह रहे सर तिरानवे होना चाहिए रोहित कह रहे सर संतानवे होना चाहिए बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों ठीक है तो दोस्तों यहाँ ठीक है चलिए दोस्तों जितने लोग संतानवे संतानवे कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर यहाँ पे संतानवे हो जाएगा अब देखिए दोस्तों बात की जाए अपना जो पृथ्वी है अर्थ है उस पे दोस्तों अगर हम बात करें कितना वाटर है

पर फ्रेश वाटर है ठीक है टू पॉइंट फाइव सिक्स ऐसा कुछ है यहां पर याद रखना चले आगे की तरफ वेरी गुड शिल्पी लोबजेंग रोहित नहीं देखिए दोस्तों ओशियन के अलावा सॉल्ट वाटर के अलावा लेकिन हम यूज कितना कर पाते हैं यूज तो हम बहुत कम कर पाते हैं राइट चले आगे चलिए अगला सवाल आपके लिए रहा दोस्तों हु अमंग दी फॉलोइंग बिकेम दी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इन मार्च 2021 ठीक है ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने मदन कौशिक धन आ, यहाँ पे धन सिंह रावत या फिर बीसी कंदूरी या फिर तीरथ सिंह रावत जल्दी से बताइए यहाँ पे कह रहे हैं सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों ठीक है तो दोस्तों जितने लोग ऑप्शन नंबर डी डी कह कह रहे हैं, कह रहे हैं हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ठीक है तीरथ सिंह रावत यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे 2021 का पूछा गया था ठीक है किसका पूछा गया 2021 का अच्छा दोस्तों अगर हम बात करें उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून ठीक है देहरादून अब देखिए दोस्तों दुन क्या होता है दुन मैंने आपको बताया था दो पहाड़ों के बीच का एरिया होता है जो डीप एरिया होता है उसको हम दुन कहते हैं और सबसे बड़ा दुन जो है वो देहरादून है उत्तराखंड की पहली कैपिटल देहरादून है दूसरी अगर हम बात करें तो गैरसेन क्या दोस्तों गैरसैन है ये आपसे पूछा जाता है ये याद रखेगा उत्तराखंड का दोस्तों एक नृत्य पूछा गया था आपसे एसएससी में नृत्य पूछा गया था जिसका नाम था चोलिया क्या दोस्तों चोलिया नृत्य ठीक है ये याद रखेगा उत्तराखंड की अगर हम बात करें भारत का दोस्तों ये पहला नेशनल पार्क आपको यहीं पे देखने को मिलेगा जिसका सबसे पहले नाम था हेले नेशनल पार्क क्या था हेले है? नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था ठीक है उसका दोस्तों नाम बदल के फिर बाद में कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट और अभी दोस्तों इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क ठीक है तो ये याद रखेगा और दोस्तों बनाया क्यों गया था इसको बंगाल टाइगर को बचाने के लिए किसको दोस्तों बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बचाया गया था आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए वेरी गुड संदीप एथोस प्रिंस वेरी गुड एनवे बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों व्हाट इज परसेंटेज ऑफ रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन टू द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन इंडिया एज पर द प्रोविंशियल पॉपुलेशन टोटल ऑफ सेंसस 2011 देखिए दोस्तों सेंसस और पॉपुलेशन मतलब वो आपका अगर मैं बजट की बात करूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है 2011 की जनगणना के यहां पर अनंतिम जनसंख्या योग्य के अनुसार भारत में देश के कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 55 74 79 और 62 जल्दी से बताइए यहां पर कह रहे हैं सबके अलग अलग आंसर ठीक है तो जितने लोग दोस्तों यहां पर कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर टू, 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 तो उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर यहां पर ठीक है चलिए दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू अच्छा दोस्तों पहला अगर मैं बात करूं सेंसस

अगला क्वेश्चन दोस्तों हाँ अठारह सौ इक्यासी बहुत बढ़िया बयासी नहीं है अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर एक डैश टैंक कॉन्क्रीट फाइबर ग्लास या फिर प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसे होकर घरेलू अपशिष्ट जल बुनियादी उपचार के लिए प्रवाहित होता है सोप प्रेशर फ्लश सेप्टिक जल्दी से बताइए यहां पे प्रेशर कह रहे हैं कुछ लोग सेप्टिक कह रहे हैं ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने लोग यहां पर सेप्टिक कह रहे हैं ना उनका करेक्ट आंसर होगा आपने सुना होगा दोस्तों सेप्टिक टैंक है ठीक है घर जब बनता है जब बाथरूम वगैरह तैयार किया जाता है तो आपने एक टैंक देखा होगा तैयार करते हैं उसको हम सेप्टिक टैंक कहते हैं तो वो करेक्ट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर फोर ठीक है तो उसी टैंक की बात कर रहा है आगे बढ़े वेरी गुड दीपा चैतन्य बहुत बढ़िया अगले सवाल पे पढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों द फाउल स्मेल फ्रॉम अ बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग अल्ट्री समर इज ड्यू टू दी एक्शन ऑफ डैश ऑन स्वेट दोस्तों यहाँ पे भीषण गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर डैश की क्रिया के कारण होती है वायरस के कारण होती है बैक्टीरिया के कारण मेलानिन के कारण या फिर मॉइस्चर के कारण जल्दी से बताइए किसकी वजह से होती है यहां पे कह रहे सर बैक्टीरिया होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहते हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे जितने लोग बैक्टीरिया बैक्टीरिया कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ठीक है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बैक्टीरिया अब दोस्तों उसमें होता क्या है आपने देखा होगा कि दोस्तों स्वेट में ना आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा क्या मिलेगा दोस्तों लैक्टिक एसिड इसी लैक्टिक एसिड की वजह से दोस्तों एक दुर्गंध आती है ठीक है बैक्टीरिया ये ना दोस्तों लैक्टिक एसिड ठीक है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस पूरा नाम है इस बैक्टीरिया का ठीक है ये आपको दोस्तों मिल्क में भी मिलता है लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में भी मिलता है ठीक है ये याद रखिएगा ये आपसे पूछा जाता है बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज की अगर हम बात करें तो डीपीटी क्या दोस्तों डीपीटी डायपथेरिया पर्ट्यूसिस क्या दोस्तों डाइपथेरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस ठीक है टिटनेस को क्या कहते हैं दोस्तों लॉकजॉ क्या कहते हैं दोस्तों लॉक जॉ भी कहते हैं और पर्ट्यूसिस को दोस्तों वूपिंग कफ भी कहते हैं क्या कहते हैं वूपिंग कफ ठीक है याद रखेंगे बहुत बढ़िया कैश दरेन रोहित कविता अगले प्रश्न पे पढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों इन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी वॉज एन इलेक्शन नॉट हेल्ड ड्यूरिंग दी मार्च अप्रैल 2021 आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल 2021 में दौरान चुनाव नहीं हुआ वेस्ट बंगाल बिहार तमिलनाडु पुडुचेरी कहां पर नहीं हुआ था दोस्तों चुनाव फटाफट से बताएंगे हाँ लॉकजॉक कहते हैं यहाँ पे फटाफट से बताइए दोस्तों कहां पर चुनाव नहीं हुआ था यहाँ पे बिहार 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 तो दोस्तों जितने लोग बिहार कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लेकिन दोस्तों फटाफट फटाफट से से पे जिन्होंने अभी तक लाइक लाइक नहीं किया फड़ावर से करेंगे और शेयर करेंगे ठीक है यहाँ पे करेक्ट आंसर है बिहार अच्छा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ठीक है वो कौन से अनुच्छेद के तहत आते दोस्तों अनुच्छेद तीन के तहत आते हैं पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे सुकुमार सेन थे कौन थे दोस्तों सुकुमार सेन अभी कौन है दोस्तों राजीव कुमार करेंट में कौन है दोस्तों राजीव कुमार है ये याद रखिएगा ठीक है, है? है, है? है, है? हाँ है पूछा जाता है अब दोस्तों अगर हम बात करें हम जो वोट करते हैं हम जाके दोस्तों हम वोट देते हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 326 के तहत करते हैं और वोटर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों हर साल 25 जनवरी को ट्वेंटी जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है यह भी याद रखेगा दोस्तों, पहले वोटिंग एज की कितनी हुआ करती थी 21 साल हुआ करती थी बाद में इसको 18 कर दी गई कौन से संशोधन के तहत की गई थी सिक्सटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इकसठवें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत की गई थी यह भी याद रखेगा ठीक है आगे बढ़े यस वेरी गुड कविता वाहिदा बॉस अभी अभिषितिज

यस गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून यहाँ पे अरिकमेडू कह रहे हैं ओके okay, बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों क्या अरिकमेडू करेक्ट आंसर होगा या फिर नहीं होगा ठीक है दोस्तों जितने लोग अरिकमेडू कह रहे हैं उनका यहां पर करेक्ट आंसर होगा जो कि आपको कहां पर मिलेगा पौडिचेरी में कहा दोस्तों पुडुचेरी में ये मिलेगा अरिकमेडु इसका उपयोग किया जाता था ये याद रखेगा ठीक है आगे बढ़े दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहा दोस्तों डैश इज फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर टू रिसीव दी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली आ, महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है रानी रामपाल वंदना कटारिया निक्की प्रधान या फिर शर्मिला देवी जल्दी से बताइए यहाँ पे रानी रामपाल कह रहे हैं ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों क्या रानी रामपाल करेक्ट आंसर होंगे या फिर नहीं होंगे ठीक है दोस्तों जितने लोग रानी रामपाल कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है रानी रामपाल दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें इन्होंने अब तक दोस्तों एक गोल कर चुके हैं ठीक है एक गोल और 212 दोस्तों, दोस्तों इंटरनेशनल अपियरेंस इनका रहा है ठीक है 212 से भी ऊपर इन्होंने अब तक खेल लिया है इंटरनेशनल अपियरेंस की बात कर रहे हैं अगर हम बात करें दोस्तों हॉकी हॉकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम है भारत का अगर हम बात करें डिफेक्टो डिफेक्टो नेशनल गेम गेम है 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 वैसे तो देखा जाए भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल खेल कोई है ही नहीं लेकिन डिफेक्टो जो गेम है, खेल जो माना गया है, वो हॉकी कितने प्लेयर होते हैं ग्यारह प्लेयर होते हैं हॉकी के जादूगर दोस्तों हमारे यहाँ किसे कहा जाता था ध्यानचंद जी को कहा जाता था किसको दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता था ठीक है और ध्यानचंद जी को ही याद रखते हुए दोस्तों हम लोग उनतीस अगस्त क्या दोस्तों यहाँ पर उनतीस अगस्त को हम लोग मनाते हैं क्या हम लोग बनाते हैं खेल दिवस स्पोर्ट्स डे ठीक है अब तक दोस्तों भारत ने ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल जीते आठ गोल्ड मेडल जीते हैं याद रखेगा ठीक है और दोस्तों अगर हम बात करें ध्यानचंद जी ने किस में किस में खेला था 1928 में 1932 में और 1936 में ये याद रखेगा ये आपसे पूछा जा सकता है आगे बढ़े ठीक है अगले क्वेश्चन पे पढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपके लिए यस yes, अभी आज आ, ये जो है अपनी मैराथन क्लास है तभी मैंने आपको बताया था दोस्तों ग्यारह बजे हम बैठ रहे हैं क्लास करने एक बजे उठेंगे मतलब ब्रेकफास्ट करके बैठे हैं उठेंगे तब जब लंच करना होगा मतलब एक बजे ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे बने अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहा हां जी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े जुड़ जाइए एट द रेट गौरव सर टेस्ट बुक क्या सर्च करना है एट द रेट गौरव सर टेक्स बुक आपको सर्च करना है आपको वहां वहां एक पब्लिक ग्रुप मिलेगा उसको ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पर सारी ये पीडीएफ वगैरह अपडेट कर दी जाती है ठीक है अगला क्वेश्चन आप ले, ले रहा दोस्तों इन ऑफ दी फॉलोइंग सिटीज 2020 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड दोस्तों 2020 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी न्यू दिल्ली टोक्यो बीजिंग और कोलंबो कहां पे की गई थी दोस्तों जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कह रहे हैं सर होना चाहिए सी ऑप्शन ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे लेकिन अभी तक करेक्ट किसी का नहीं आया हाँ यहाँ पे किसी ने तो दिया है डाउन कोई करके हैं उन्होंने सही आंसर दिया है बाकी लोगों का नहीं आया दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो गए न्यू दिल्ली क्या होगा दोस्तों न्यू दिल्ली यहां पर करेक्ट आंसर हो गए एक पर्सन ने करेक्ट आंसर दिया था न्यू दिल्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ठीक है चले आगे की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहा राष्ट्री आपको बताना हाँ शासक कौन था क्या वो ध्रुवा था कनिष्का था समुद्रगुप्त था या फिर अशोक था एलिमिनेशन लगा दीजिए दोस्तों अगर नहीं भी पता है ना एलिमिनेशन लगाएंगे आराम से आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर वन कह रहे हैं ओके okay, बाकी लोग क्या कहते हैं ध्रुवा 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 तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया ध्रुवा होगा कनिष्का तो नहीं होगा ठीक है कनिष्क किसके थे दोस्तों कनिष्क किसके थे ये तो कुषाण डायनेस्टी के थे राइट तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन होगा ना कि टू होगा ठीक है नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों इसको ठीक है नोट डाउन कर लेंगे ध्रुवा जो है वो होगा राजकुता का राजकुता को फाउंड किसने किया था दंती दुर्गा ने किया था किसने दोस्तों दंती दुर्गा ने किया था ये याद रखेंगे ठीक है कनिष्क दोस्तों अगर हम बात करें ये कुषाण डायनेस्टी से किससे कुषाण समुद्र गुप्त की अगर हम बात करें दोस्तों इनको क्या कहा जाता था इंडियन नेपोलियन और ये दोस्तों कौन सी डायनेस्टी से गुप्ता डायनेस्टी से अशोका की हम बात करें दोस्तों ये मॉरियन डायनेस्टी से ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन ध्रुवा ठीक है आगे बढ़े चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों हु अमंग फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ बुक द सीक्रेट ऑफ वेदा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ वेदा के दोस्तों पुस्तक के लेखक हैं क्या वो स्वामी विवेकानंद हैं एनी बेसेंट हैं सर अरविंदो हैं या फिर कृष्ण मूर्ति है जल्दी से बताइए यहां पर कहने सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर वन ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे ध्यान से आंसर करेंगे ठीक है हाँ जी जिसका जिसका दोस्तों ऑप्शन नंबर वन है उनका तो गलत हो गया है ठीक है उनका गलत हो गया है यहाँ पे दोस्तों जितने लोग ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा ठीक है किसका करेक्ट आंसर शालिनी का करेक्ट आंसर है क्षितिज का करेक्ट आंसर है

जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे हाँ नेशनल यूथ डे मनाते हैं इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं आपको बताना है है पे यस कैच द रेन ने सबसे पहले आंसर किया है। क्या बात है है दीपा ने फिर करेक्ट आंसर दिया है। प्रीतम वेरी गुड रॉकर्स वेरी गुड दोस्तों जितने लोग एनोनिमस पिनाका बहुत बढ़िया 12 अगस्त कब मनाते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अगर आपको जोड़ दिया दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अगर आपसे जोड़ दिया है तब तो वहां पर हो जाएगा दोस्तों 12 अगस्त क्या होगा 12 अगस्त यूथ डे ठीक है चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पे अगला सवाल दोस्तों आपके लिए रहा द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई इज द वॉचडॉग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री एंड डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट अभी हमने बात की थी दोस्तों इसमें गलती नहीं होनी चाहिए भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का रक्षक है और भारत के संविधान के डैश की इसकी स्थापना का प्रावधान है आर्टिकल 356 324 और 101 324 कह रहे हैं ओके okay, बाकी लोग ठीक है तो सभी का दोस्तों तीन आ गया 24 24 24 तो दोस्तों जितने लोग 324 कह रहे हैं उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ठीक है तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर होगा 324 अच्छा दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तीन सौ किससे रिलेटेड है तो दोस्तों ये कही कहीं ना कहीं प्रेजिडेंट रूल है किससे दोस्तों प्रेजिडेंट रूल है एमरजेंसी राइट प्रेजिडेंट रूल है तीन सौ बावन की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी क्या दोस्तों नेशनल इमरजेंसी भारत में कितनी बार लगी तीन बार कब कब उन्नीस सौ बासठ में उन्नीस सौ इकहत्तर में और उन्नीस सौ पचहत्तर में तीन बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है अगर हम एक सौ एक की बात करें इसमें दोस्तों वैकेशन ऑफ सीट ऑफ किसकी दी है पार्लियामेंट वैकेशन ऑफ सीट ठीक है ऑफ पार्लियामेंट ठीक है याद रखेगा संसद की सीट की जो वैकेशन पार्लियामेंट है वो दी हुई है इसमें आगे बढ़े हाँ जी तीन बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है वेरी गुड बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगला सवाल आपके लिए दोस्तों मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल कौन सा है निम्नलिखित में से कौन एक, एकल सेक्राइड का उदाहरण है फ्रक्टोस सुक्रोस स्टार्च और ग्लूकोज ओनली सी ओनली बोथ ए एंड डी बोथ बी एंड सी और ओनली बी फटाफट से बताइए यहाँ पे बोध कह रहे हैं सी ओके okay, बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं फटाफट से बताएंगे मोनो और दोस्तों यहाँ पर हाँ मोनो मतलब क्या होता है दोस्तों एक होता है राइट जितने लोग कह रहे हैं सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर टू 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 उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू यहां पर ए एन डी मतलब सुक्रोस ठीक है सॉरी ए डी मतलब फ्रक्टोज और आपका कौन सा होगा ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों दोस्तों होता है 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 ये ये भी याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता ग्लूकोज का ठीक फ्रक्टोज की अगर हम बात करें इसको हम कहते हैं फ्रूट शुगर क्या कहते हैं दोस्तों फ्रूट शुगर कहते हैं ठीक है और दोस्तों ये स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है ये भी याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है ठीक है, 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 sweetest, sweetest है? है, है आगे बढ़े हाँ ए डी करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन दोस्तों आप अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों ये रहा एस पर यूनियन बजट देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ गया बजट पे ही ठीक है करंट अफेयर का क्वेश्चन है बजट का ही है प्रीवियस ईयर पेपर ही इंटरेस्ट ऑन ऑन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अबाउट द डैश लाख इन ईयर विल बिकम टैक्सेबल दोस्तों यहां पर 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार एक वर्ष में डैश लाख से अधिक भविष्य निधि योगदान पर अर्जित ब्याज पर योग्य हो जाएगा 1.5 1 2 और 2.5 कितना दोस्तों यहाँ पे रोहित कह रहे हैं सर 2.5 शालिनी ने कहा है सर 1.5 रॉकर्स कह रहे हैं सर 1.5 तो दोस्तों यहाँ पर जितने लोग कह रहे हैं सर 1.5 तो उनका यहाँ पर गलत हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा 2.5 क्या होगा दोस्तों 2.5 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ठीक है हाँ जी अब सब लोग एक दूसरे को कॉपी पेस्ट मत करो दोस्तों गलत हो गया है ठीक है चलिए आगे की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा ठीक है सभी लोग आंसर करेंगे लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं अभी क्लास खत्म नहीं हुई है ठीक है समाप्त नहीं हुई है लेकिन आपको मैं ये बता देना चाहता हूं अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों तो आपको यहां पे अभी से तैयारी करनी होगी क्योंकि दिसंबर में आपके कहीं ना कहीं सीजीएल के एग्जाम्स होने हैं ठीक है थीके? वो आपको कैलेंडर में दे दिया था ऑलरेडी एक न एक दो दिन में या फिर मैं कहूं एक हफ्ते के अंदर अभी नोटिफिकेशन तो वैसे एक दो दिन में ही आ जाएगा आपका और आपको आपको एक हफ्ते के अंदर स्ट्रेटेजी अपनी बना लेनी है कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करने वाले हो क्योंकि आपके पास कौन से महीने बचेंगे अक्टूबर और नवंबर बचेगा दिसंबर में पेपर है तो इसलिए दोस्तों अभी से आप टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए और जिनको लगता है कि अभी और डीप जाके पढ़ना चाहिए जरूरी है तो दोस्तों वो जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग में जहां पर दोस्तों आपको इंडिया के बेस्ट या मैं कहूँ सुपर फैकल्टीज जो उनको आपको पढ़ा रहे होंगे दोस्तों अगर मैं बात करूं बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जैसे से हैं परचम क्लासेस से वो आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे ठीक है तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पर आपको दोस्तों लाइव क्लासेस मिलेंगी डाउट क्लियरेंस क्लासेस और पांच से भी ज्यादा सुपर टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे होंगे तीन हजार मॉक टेस्ट और दो सौ से भी ज्यादा स्टडी नोट्स जैसे राजीव सर पैरामाउंट से रिचा मैम परचम क्लासेस से सोनी विजय मैम इंडिया स्टडी से इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे जो डाउट क्लियरेंस के लिए और आपको गाइडलाइन देने के लिए है यहाँ पर अमित सर जनरल साइंस के लिए मिर्जा सर रीजनिंग के लिए पंकज सर जनरल अवेयरनेस के लिए रोहित सर कौन के लिए और कौस्तु सर इंग्लिश के लिए और ठीक है और दोस्तों ये सारे फैकल्टीज आपके डाउट क्लियरेंस के लिए रहेंगे और हेल्प के लिए रहेंगे और यहाँ पर दोस्तों ये जो कोर्स अवेलेबल है आपके लिए वो है थ्री पर मंथ पर कितना दोस्तों थ्री पर मंथ पर लेकिन आप इसे ले सकते हो 20% का डिस्काउंट कितना दोस्तों 20% का डिस्काउंट बाय यूजिंग कूपन कोड GM20 जैसे ही आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे GM20 आपको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लेंगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है ये भी शायद बजट का ही आ गया है

ठीक है अच्छा दोस्तों कौन सा संशोधन था ठीक है करेक्ट आंसर 1991 है कौन सा संशोधन था जल्दी से बताइए कैपिटल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था क्या जल्दी से बताएंगे फटाफट फड़ से यस सिक्सटी नाइन वेरी गुड दीपा सुलेखा वेरी गुड बॉस नीलांचल आदित्य वेरी गुड अगले क्वेश्चन पे पढ़ते दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा दोस्तों, दोस्तों, निम्नलिखित तो में से किस टीम ने Indian Super League किस जीता? क्या मुंबई सिटी एफ सी है या फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी है बताइए फटाफट से किसने जीता दोस्तों और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया फटाफट से शेयर करेंगे और लाइक करेंगे जल्दी जल्दी से और यहाँ पर आंसर भी करते हुए चलेंगे तो सी ऑप्शन सी ऑप्शन दोस्तों जितने लोग कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए ऑप्शन नहीं होगा सुलेखा का करेक्ट आंसर है फ्रैंकलिन uh, का है विपुल का है बहुत बढ़िया दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई सिटी एफसी सी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आईएसएल दोस्तों इंडियन सुपर लीग जो है वो किसके लिए दोस्तों किसको बढ़ोतरी देने के लिए फुटबॉल को ठीक है फुटबॉल में दोस्तों कितने प्लेयर खेलते हैं ग्यारह प्लेयर खेलते हैं मतलब एक तरफ से ठीक है ग्राउंड के उसमें रहते हैं ठीक है अगर हम फुटबॉल की बात करें तो संतोष ट्रॉफी

इनका नाम भी याद रखेंगे ठीक है अगले क्वेश्चन बढ़े वेरी गुड यहाँ पर प्रिंस और दोस्तों दो प्लेयर तीन प्लेयर तो आपके फेवरेट होते हैं एक तो दोस्तों आपके हो जाएंगे क्या जल्दी से बताइए है ना दूसरे कौन हो जाएंगे लियोनल मैसी अच्छा आप लोग के फेवरेट फेवरेट प्लेयर कौन से हैं सभी लोग क्या करेंगे आज कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके फेवरेट प्लेयर जो फुटबॉलर हैं वो कौन से हैं ठीक है ठीक है वैसे इनके अलावा भी हो सकता है ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहा दोस्तों आफ्टर महात्मा गांधी रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन जनवरी 1931 कांग्रेस लीडर मैट डैश टू प्लान फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन दोस्तों यहां पर आपसे पूछा गया जनवरी 1931 में महात्मा गांधी के जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने आगे की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए डैश की बैठक की थी सूरत अलाहाबाद कैलकटा और लाहौर जल्दी से बताइए यहां पे कह रहे हाँ कोई बात नहीं अच्छा कोई कोई लोग कह रहे हैं सर मैं क्रिकेट देखता हूं मैं क्रिकेट देखती हूं तो आप लोग क्या कर सकते हो ना क्रिकेट वाले प्लेयर्स के भी नाम लिख सकते हो ऐसा नहीं है ठीक है आप जिसको मतलब फेवरेट पर्सन आपको लगता है जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेट होते हो कि यार ये इतना अच्छा काम कर रहा है इस फील्ड में मुझे भी ऐसा करना चाहिए तो आप उसका नाम बता सकते हैं ठीक है थीके? हाँ जी दोस्तों जितने लोग यहाँ पर इलाहाबाद इलाहाबाद कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए कुछ लोग लाहौर कह रहे हैं भाई यहाँ पर सबके अलग अलग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे अलाहाबाद करेक्ट आंसर होगा जितने लोगों ने अलाहाबाद कहा है उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अच्छा 1930 में ही दोस्तों आपको पता है डांडी मार्च हुई थी ठीक है 1930 में डांडी मार्च कहां से कहां दोस्तों, कहां कहां दोस्तों से तक साबरमती डांडी तक कहां तक कहां तक दोस्तों साबरमती से डांडी ठीक है 240 सौ चालीस माइल्स चलना पड़ा था ठीक है और दोस्तों कितने दिन लगे थे 24 दिन लगे थे जिसमें दोस्तों अठहत्तर डेलीगेट थे कितने दोस्तों डेलीगेट थे अठहत्तर डेलीगेट थे ठीक है आगे बढ़े वेरी गुड चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों डैश वॉस दी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी ऑफ नवंबर 2020 दोस्तों यहां पर डैश को नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक के सम्मानित किया गया था दोस्तों ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन सिर्फ मकसद ये है कि आपको पता चले कि करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको दोस्तों आज यहाँ पर आपके सामने कम से कम चार से पांच पेपर के जो हैं, जीके यहां है जीके यहाँ पर इन्वॉल्व की हैं 11 अप्रैल 2022 पे जो हुआ था शिफ्ट वन शिफ्ट टू शिफ्ट थ्री वो तीनों इन्वॉल्व किए हैं उसके अलावा भी एक पेपर यहाँ पे रखा है

यहाँ पे फटाफट से बताना है हाँ पिछला बिल्कुल करेक्ट आंसर है एमएम एम जितने लोगों ने आंसर दिया था उनका वहां पे करेक्ट आंसर था यहाँ पे बताएंगे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे कविता का करेक्ट आंसर है नहीं पता अरे सीधी सी बात है दोस्तों सहन शक्ति आप कितना आप पूछा जाता है ना आप कितना प्रेशर सह सकते हो तो बेयरिंग कैपेसिटी आपकी कि आप उतना प्रेशर सह सकते हो मिट्टी अगर जितना सह सकती है उसकी भी शक्ति होगी तो बेयरिंग तो नहीं यहां पे की की स्टडी स्टडी को दोस्तों क्या कहा जाता है पेडोलॉजी कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों पेडोलॉजी कहा जाता है ठीक है अगर हम बात करें दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई मिट्टी है तो वो कौन सी है दोस्तों जलोड मिट्टी है जलोड मिट्टी को इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल मिट्टी ठीक है एलुवियल मृदा ठीक है नई एलुवियल खद्दर क्या दोस्तों बहुत फर्टाइल होती है ये खद्दर ठीक है पुरानी

चले वेरी गुड दीपा एनोमस छेज सुलेखा कमलेश वेरी गुड अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहा दोस्तों एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर फोर इंडियन शिप यहां पे जलाशुआ अराइव्ड एट पोर्ट अंजोना कॉमरोस ऑन 14th मार्च 2021 टू डिलीवर थाउजेंड मैट्रिक टन ऑफ वॉट दोस्तों आपसे पूछा गया है मिशन सागर चार के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना का जहाज जलाशय 14 मार्च 2021 को पोर्ट यहां पर अंजुआन कोमरोस्क में हजार मेट्रिक टन किसकी आपूर्ति करने के लिए पहुंचा है टी की वीट की सुगर की या फिर राइस की किसकी की थी दोस्तों यहां पर कह रहे सर वीट पहुंचाने के लिए ओके बाकी लोग क्या कहते दोस्तों तो दोस्तों जितने लोग कह रहे हैं सर कुछ लोग राइस कह रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर राइस होगा क्या होगा राइस पहुंचाया गया था ये याद रखिएगा राइस पहुंचाया गया था ठीक है वीट नहीं पहुंचाया गया तो दोस्तों राइस पहुंचाया गया था आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे अगला सवाल दोस्तों आपके सामने ये रहा दोस्तों दोस्तों यहां 2021 2021 पर पर अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का विषय क्या था पॉल्यूशन या प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज जल्दी से बताएंगे दोस्तों यहाँ पर अर्थ डे का आपसे थीम पूछा गया है फटाफट से बताना है ऑप्शन नंबर टू कह रहे हैं ओके okay. बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों चलिए दोस्तों जितने लोग ऑप्शन नंबर यहां पर कह रहे हैं सर टू 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 उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहली बार दोस्तों इसको कब मनाना स्टार्ट किया गया था 1970 में मनाना स्टार्ट किया गया था कब मनाया मनाया जाता दोस्तों, 22 को मनाया जाता है है दोस्तों अप्रैल को अर्थ डे ठीक है बाईस मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है जल दिवस क्या दोस्तों बाईस मार्च को मनाते हैं जल दिवस जिसको हम कहते हैं वॉटर डे क्या कहते हैं दोस्तों वॉटर डे ठीक है आगे बढ़े वेरी गुड प्रिंस शितिज शालिनी फ्रैंकलिन वेरी गुड अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा दोस्तों पुअर सैनिटेशन कंडीशन में नॉट बी दी लाइकली रीजन बिहाइंड विच ऑफ दी फॉलोइंग डिसीज कंडीशन दोस्तों निम्नलिखित में से किस बीमारी के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति या फिर संभावित कारण नहीं हो सकती है पोलियो के पीछे अर्थरेटिस के पीछे टाइफाइड या फिर कॉलरा जल्दी से बताइए किसके पीछे नहीं हो सकती है यहां पर ठीक है

ठीक है पोलियो दोस्तों वायरल डिसीज है आपको पता है वायरल पोलियो से ही होता है पोलियो वायरस से ये भी याद रखेगा अच्छा दोस्तों हाँ जी यहाँ पे शालिनी वेरी गुड वाहिदा हाँ, करेक्ट आंसर है किसने बनाया था वैक्सीन अभी तक नहीं हाँ जोकर ने सबसे पहले आंसर दिया है फिर दीपा ने दिया है अलेक्सेंडर फ्लेमिंग

जी ने कहा सर ए ऑप्शन होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों क्या ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा या फिर नहीं ठीक है यहां पर ए ऑप्शन ए ऑप्शन तो दोस्तों यहां पर जितने लोग कह रहे हैं सर ए ऑप्शन उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आपको पता है दोस्तों यहाँ पर पी पट्टाभी सीतारामैया जी को किसने हराया था इलेक्शन में 1939 में किसने हराया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने किसने दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया था आपको यह भी पता होना चाहिए लेकिन दोस्तों आपको पता है ये भी होना चाहिए महात्मा गांधी जी के जो फेवरेट थे वो पी पीपटाबी सीतारामैया थे त्रिपुरा सेशन था सॉरी त्रिपुरी सेशन था ये कौन सा सेशन था त्रिपुरी सेशन था ठीक है चलें बहुत बढ़िया रॉकर्स एनोनिमस सुलेखा हाइपर ऋतिक चलिए अगला सवाल दोस्तों आपके लिए ये रहा दोस्तों द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय पीआईबी इन डैश दोस्तों आप पूछा गया भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मूल पीआईबी द्वारा डैश में प्रकाशित किया जाता है यूएस डॉलर येन युआन और इंडियन रूपी दोस्तों सिंपल सा तो क्वेश्चन है फटाफट से बताएंगे यहाँ पे कह रहे सर यूएस डॉलर होना चाहिए यूएसडी ओके बाकी लोग तो दोस्तों यहां पर जितने लोग कह रहे सर देखिए ध्यान से आंसर करिएगा ठीक है अभी यहां पर आपको देखिए

मान लीजिए मान लीजिए नहीं यहाँ पर एक कंपनी अपनी जो कि चालीस लाख रुपए कमाती है ठीक है इंडिया इंडिया के अंदर में, इंडिया के अंदर अंदर में में एक दोस्तों एप्पल कंपनी है है ठीक हमने मान लीजिए ये एक फॉरेन कंपनी है कोई भी एप्पल मान लिया वो यहाँ पर बीस लाख रुपए कमा रही है ठीक है और दोस्तों हमारा एक व्यक्ति है बाहर कंट्री में अमेरिका में वो कमा रहा है दो लाख रुपए तो हमारे जीडीपी में क्या होता है दोस्तों जो इसके अंतर्गत हो रहा है ठीक है उसको काउंट कर लिया जाता है तो उसको काउंट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या आ आ जाएगा 40, 20, 60 जाएगा लाख का जीडीपी दिख जाएगा राइट लेकिन दोस्तों ये हमारे काम का तो नहीं होता है जीएनपी हमारे काम का होता है क्यों जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद ठीक है इसमें दोस्तों क्या होता है बीस लाख कौन कमा रहा है एप्पल कमा रही है वो क्या करेगी वो अपने घर भेज देगी पैसा यूएसए में भेज देगी तो हमारे काम आएगा चालीस और ये दो तो बयालीस तो मतलब GNP जो निकल कर आई हमारे काम वाली चीज वो तो बयालीस ही थी हमें दिखाया क्या गया तो हमारे काम की क्या होती है GNP होती है GDP नहीं होती है ये याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहा द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आर्सेनिक दोस्तों आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र क्या है ए आर है ए एस है ए है या फिर ए एन है जल्दी से बताइए फटाफट से बताएंगे हाँ, पिछला बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पे बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे कह रहे सर होना चाहिए ए एस ए एस एस तो दोस्तों जितने लोग ए एस कह रहे हैं उनका ए आर नहीं होगा दोस्तों ठीक है ए एस यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चले आगे

यहां पर कह रहे सर अलेक्जेंडर और होना चाहिए यहां पे पोरस ओके बाकी लोग क्या कहते दोस्तों ठीक है तो दोस्तों जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कहा है डी कहा है उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है और ये दोस्तों लड़ाई कब हुई थी 326 बीसी के समय में हुई थी 326 बीसी के समय में हुई थी ठीक है पोरस दोस्तों पुरुषोत्तम राजा ठीक है उनको पोरस पोरस कहा जाता था यहाँ पे दोस्तों उन्होंने इतनी मतलब अपनी सहशीलता दिखाई थी ताकत दिखाई थी जिससे दोस्तों अलेक्जेंडर जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था प्रेरित हो गया था और उसने दोस्तों हराने के बावजूद भी इनको छोड़ दिया था ठीक है हाँ जी झेलम नदी के किनारे बहुत बढ़िया झेलम नदी के किनारे बहुत बढ़िया ठीक है तो ये याद रखेगा और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि बताइए कलिंग युद्ध कब हुआ रहा। दोस्तों, में से कौन सा त्योहार, अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है महावीर जयंती काली पूजा दशहरा या फिर होली जल्दी से बताइए क्या मनाते दोस्तों हम लोग न्यू मून डे के दिन और दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से क्या करेंगे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ठीक है यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहे हैं कुछ लोग फोर ऑप्शन कह रहे हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ ना ही ए ऑप्शन है ना ही फोर ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू होगा काली पूजा ये याद रखिएगा ठीक है थीके? काली पूजा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ठीक है महावीर जयंती दोस्तों आपको पता है जैन का त्यौहार होता है ठीक है जैन में दोस्तों कितने तीर्थांकर है चौबीस तीर्थांकर टोटल कितने दोस्तों चौबीस और चौबीसवें कौन है दोस्तों महावीर जी हैं और महावीर जी का दोस्तों असली नाम जो है वो है वर्धमान क्या दोस्तों वर्धमान है ये याद रखेगा आपसे पूछा जाता है

तो दोस्तों मैं आपको बता दू एनोनिमस का करेक्ट आंसर है बॉस का करेक्ट आंसर है और किसी और ने भी दिया था भाई करेक्ट आंसर इतना जल्दी जल्दी जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों बैरीबेरी जितने लोग कह रहे हैं उनका यहां पे करेक्ट आंसर बैरीबेरी हो. होता, होता है किसकी वजह से दोस्तों विटामिन बी की वजह से, तो? से ठीक है अच्छा दोस्तों अगर हम बी की बात करते हैं तो विटामिन बी को हम कहते क्या है था क्या कहते हैं दोस्तों थाइमिन कहते हैं ना बी को क्या कहते हैं दोस्तों विटामिन बी को राइबोफ्लेविन क्या कहते हैं दोस्तों राइबोफ्लेविन ठीक है विटामिन बी थ्री को क्या कहते हैं दोस्तों नियासिन ठीक है अगर बी अगर हम बात करें फाइव कहते हैं पेंटोथेनिक क्या कहते हैं दोस्तों पेंटोथेनिक ठीक है अच्छा बायोटिन किसको कहते हैं दोस्तों फटाफट से बताएंगे आप लोग बायोटिन कौन से विटामिन को कहते हैं मतलब कौन से विटामिन बी को कहते हैं ठीक है और दोस्तों बी कई बार आपसे पूछा जाता है बी याद रखिएगा साइनोकोबलामिन क्या दोस्तों साइनो

का कम से कम डैश भाग शैवाल द्वार प्रकाश यहां पर संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है क्वार्टर और जल्दी से बताइए कितना किया जाता है दोस्तों यहां पे कह रहे हैं सर बी ऑप्शन होना चाहिए ओके okay. बाकी लोग वन टेंथ वन टेंथ तो दोस्तों यहां पे देखिए कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, है. हाफ यहां पे आलोक ने करेक्ट आंसर दिया वेरी गुड आलोक और किसका आंसर है वाहिदा का करेक्ट आंसर है जिन्होंने हाफ कहा है ना दोस्तों उनका करेक्ट आंसर होगा हाफ यहां पर करेक्ट आंसर होगा ठीक है हाफ ये याद रखिएगा ये आपसे पूछा जाता है ठीक है ठीक आगे अच्छा दोस्तों दोस्तों की की स्टडी स्टडी को को क्या कहते को क्या कहते कहते हैं हैं जल्दी से बताइए की स्टडी को हम क्या कहते हैं फेकोलॉजी कहते हैं क्या दोस्तों फटाफट से या फिर कुछ और कहते हैं ये हाँ हाफ ठीक है हाफ बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे अगला सवाल दोस्तों आपके सामने ये रहा दोस्तों राजीव राजीव राम इज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम डैश दोस्तों राजीव राम जो है वो डैश एक मतलब पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं सोलोवेकिया के हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं यूनाइटेड किंगडम के हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं या फिर इंडिया के हैं ठीक है चलिए फटाफट फ़ड़ बताइए दोस्तों कहां के हैं फटाफट फ़ड़ से बताना है यूके के हैं ओके okay. तो दोस्तों यहाँ पे कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि यहाँ पर इंडिया अभी मेंशन नहीं किया अब नाम देखते ही राजीव राम लगता है कि यार इंडिया का पर्सन का नाम है और इंडिया टिक लगा देते अभी हालांकि आपको नहीं दिया था तो आप लोगों को तो पता ही चल गया कि यहाँ पर बेवकूफ बनाने वाली बात कर रहे हैं सर ठीक है करेक्ट आंसर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ रहा है ठीक है करेक्ट आंसर क्या आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए ठीक है चले आगे की तरफ हाँ यूएसए करेक्ट आंसर है वेरी गुड आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके लिए दोस्तों ये रहा दोस्तों आ नतु वनार कंडक्ट्स अ डैश डांस रिसाइटल दोस्तों एक निस पर नटू वनार एक डैश नृत्य गायन आयोजित करता है कुचिपुड़ी उड़ीसी कथक और भरतनाट्यम जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों और फटाफट फ़ड़ से दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और आंसर करते हुए चलेंगे कुचिपुड़ी कह रहे हैं ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों क्या कुचिपुड़ी करेक्ट आंसर है या फिर नहीं है ठीक है दोस्तों जितने लोग यहां पर कह रहे हैं सर होना चाहिए कुचीपुड़ी उनका गलत आंसर होगा करेक्ट आंसर यहां पे वैष्णवी ने दिया है ठीक है सुप्रभा ने करेक्ट आंसर दिया है और किसने दिया है शदाब ने दिया है बहुत बढ़िया अनिकेत यहाँ पे भरतनाट्यम क्या भरतनाट्यम करेक्ट आंसर भरतनाट्यम किया जाता है तमिलनाडु में ठीक है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है उड़ीसि उड़ीसा में किया जाता है ठीक है कथक यूपी में किया जाता है अगर हम बात करें दोस्तों भरतनाट नाट्यम की एक नृत्यांगना का नाम जो फेमस है दोस्तों रुक्मणी देवी अरुंदले कौन दोस्तों रुक्मणी देवी अरुंदले ठीक है इनका नाम याद रखिएगा फेमस है इनका नाम पूछा जा सकता है ठीक है अगर हम बात करें दोस्तों कुचिपुड़ी से इसका दोस्तों आप बताएंगे ये होमवर्क रहेगा तीसरा होमवर्क ठीक है उड़ीसा की अगर हम बात करें माधवी मुडगल क्या दोस्तों माधवी मुडगल कथक की बात करें दोस्तों बहुत फेमस है बिरजू महाराज कौन दोस्तों बिरजू महाराज कह लीजिए या फिर लच्छू महाराज ठीक है ये आपसे पूछा जाते हैं आगे बढ़े अगले सवाल पे वेरी गुड यहां पर सिमरन अनिकेत बॉस

बी ऑप्शन कह रहे हैं कि एडम स्मिथ यहां पर कई लोग कह रहे हैं कई लोग कह रहे हैं सर यहां पर ऑप्शन नंबर फोर होना चाहिए तो दोस्तों जितने लोग ऑप्शन नंबर फोर कह रहे हैं उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है यहां पे करेक्ट आंसर होगा अब देखिए दोस्तों इन्होंने यहां पर टैक्सेशन के ऊपर एक बुक भी लिखी थी अठारह में कब दोस्तों अठारह में ये भी याद रखेगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है किसको दोस्तों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है ठीक है अपने भारत से दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें नोबेल प्राइज दिया गया है अमर्त सेन को किसको दोस्तों अमर्त सेन को दिया गया है ठीक है और किसको दिया गया इकोनॉमिक्स में वो आप बताएंगे ठीक है अमर सेन को कब दिया गया था 1998 के समय में दिया गया था ठीक है है चले आगे डेविड हाँ, रिकार्डो यहाँ पे करेक्ट आंसर वेरी गुड यहाँ पर सभी को जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर फोर कहा है ठीक है अगले क्वेश्चन पढ़े हाँ अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहा दोस्तों घटम इज अ दोस्तों घटम एक डैश है स्मॉल हैंडल ड्रम दैट अ रिजेंबल्सिन या फिर यहाँ पे परकुशन इंस्ट्रूमेंट मेड अप ऑफ लेदर एंड जॉकवुड या फिर लार्ज नैरो विंड इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ वुड एंड मेटल जल्दी से दोस्तों घटम क्या होता है एक इंस्ट्रूमेंट है ये तो आपको पता है दोस्तों जिससे यहां पे साउंड निकाला जाता है मतलब म्यूजिक किया जाता है तो ये कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है ठीक है यहां पे सी ऑप्शन कह रहे हैं

ठीक है। रिस्पेक्ट तो तो यहां पे संघ के संबंध में में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है डबल, आ, नर्व हार्ट एंड पास्ट, आ, यहां पे और आ, पोस्ट एनल इज एप्सेंट या फिर नोटो कॉर्ड इज प्रेजेंट जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कह रहे सर नोटो कॉर्ड होना चाहिए प्रिंस ने कहा है वैष्णवी ने भी कहा है सर नोटो कॉर्ड होना चाहिए ठीक है तो दोस्तों जितने लोग नोटोकॉर्ड कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा नोटोकॉर्ड ठीक है पृष्ठ रज्जु जो होती है मौजूद है ये यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है अगला क्वेश्चन दोस्तों जस्टिस रमना, एस दी चीफ जस्टिस एनवी रमणा अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ ऑफ इंडिया फ्रॉम फॉलोइंग स्टेट पे भारत के अड़तालीसवें दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति एनवी रमणा यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं आंध्र प्रदेश कर्नाटका महाराष्ट्र या फिर रला जल्दी से बताइए आंध्र प्रदेश कह रहे हैं ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों तो दोस्तों जितने लोग आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आंध्र प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों अमरावती है पहले दोस्तों हैदराबाद हुआ करती थी ठीक है अच्छा दोस्तों आंध्र प्रदेश पहला लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट है ठीक है पहला दोस्तों भाषाई के आधार पर अगर हम बात करें तो पहला राज्य है ये याद रखेगा ठीक है दोस्तों इससे पहले यहाँ पे इसकी कैपिटल क्या थी हैदराबाद थी अभी अमरावती है ठीक है पे दोस्तों आंध्र प्रदेश में अगर बात करें एक फेस्टिवल मनाते हैं फ्लेमिंगो कौन सा फेस्टिवल दोस्तों फ्लेमिंगो याद आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे दोस्तों आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है पुलिकेट झील और दोस्तों वो किस टाइप की है तो सॉल्ट वाटर लेक है ठीक है अगर हम बात करें दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ मतलब जो है इंडिया के वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अभी एनवी रमना है पहले कौन थे एच जे कनिया भारत के पहले दोस्तों अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें तो एच जे कन्या थे ये भी याद रखेंगे ठीक है चलिए अच्छा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद में आता है दोस्तों वो अनुच्छेद 124 में आता है कितनी सीटें हैं दोस्तों फटाफट बताएंगे अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट में कितनी सीट्स हैं फटाफट से बताना है हाँ और अभी आपको 49th यूयू ललित बिल्कुल सही यहां पे जो अभी बन गए करंट में कितनी सीट्स हैं ये आपको बतानी है दोस्तों अभी तक नहीं आए हैं हां वेरी गुड तो जो दोस्तों जितने लोग चौतीस कह रहे हैं ना उनका करेक्ट आंसर हो टोटल चौतीस है जिसमें से एक सीजीआई की होती है बाकी तैतीस जो होते हैं वो जजेस होते हैं क्या होते हैं जजेस होते हैं ठीक है ठीके? अगला सवाल दोस्तों आपके लिए रहा वट वॉज दी एस्टिमेटेड नेशनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ फाइव इन दी कंट्री एज पर देंसस इंडिया दो देखिए दोस्तों सेंसस पे एक और क्वेश्चन ठीक है पे भारत की जनगणना दो हजार ग्यारह के अनुसार देश के पांच वर्ष में वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनु, अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर कितनी है चौतीस पचपन छिहत्तर या फिर तेरह पचपन कह रहे हैं यहाँ पर यूरो फाइटर ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं सर चौतीस होनी चाहिए एग्जाम ठीक है एग्जाम का सही है आदित्य का सही है बॉस का सही है वेरी गुड दोस्तों जितने लोग कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ठीक है अगला सवाल दोस्तों इन जनवरी दो हजार दो हजार में, में एशियाई क्रिकेट परिषद पर एसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है सौरभ गांगुली जय शाह अनुराग ठाकुर या फिर सचिन तेंदुलकर फटाफट फड़ बताएंगे यहां पे कह रहे सर जय शाह होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहते हैं तो दोस्तों जितने लोग यहां पर जय शाह जय शाह कह रहे हैं उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जय शाह यहां पे करेक्ट आंसर होगा अच्छा दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर बीसीसीआई की दोस्तों उसका कहां, तो दोस्तों कहां पर है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर तो दोस्तों वानखेड़ा मुंबई में दोस्तों वानखेड़ा मुंबई में है ये भी याद रखेगा ठीक है अगर हम बात करें कब फाउंड किया गया था नाइनटीन नाइनटीन ट्वेंटी एट में किया गया था ये याद रखेगा ठीक है आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है ठीक है कहां पे दुबई में चले आगे हाँ जी अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों ट्राइब्स ऑफ द निकोबार आइलैंड पे पे देयर रिस्पेक्ट टू दी डिपार्टेड सोल ऑफ द द हेड ऑफ दी ड्यूरिंग निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां डैश के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती है असूरी फीस्ट या फिर जगधरत्री पूजा या फिर कल्पतरु उत्सव या फिर गजन फेस्टिवल फटाफट से बताइए यहां पर ए ऑप्शन कह रहे हैं ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों क्या ए ऑप्शन करेक्ट है या फिर नहीं है ठीक है दोस्तों जितने लोग ऑप्शन नंबर कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा देखिए दोस्तों अगर मैं अंडमान निकोबार की बात करता हूं तो वहां पर एक खतरनाक ट्राइब है जिसका नाम है एस से स्टार्ट होता है वो आप लोग बताएंगे कुछ साल पहले दोस्तों वहां पर एक अंग्रेज गया था और उसको दोस्तों उस ट्राइब के द्वारा मार दिया गया था और वहां पर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बोल रखा है कि वहां पर आपको अलाउ नहीं है जाना जल्दी से बताइए कौन सी ट्राइब है नाम बताएंगे फटाफट से ट्राइब का अभी तक किसी का भी नहीं आया है हाँ यहाँ पे प्रिंस ने आंसर दिया है कि सर वो सेंटिनलीज़ है बिल्कुल सही आंसर है वाहिदा वेरी गुड यहाँ पे वो सेंटिनलीज़ है ठीक है उनसे बच के रहिए मतलब अभी आप तो जा ही नहीं रहे हो तो बचना क्या है लेकिन अगर जा रहे हैं तो बच के रहिए ठीक है थीके? अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ओ हो, 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 हो समय होता है समाप्त जहां पर आज हमने दोस्तों किए हैं मिक्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ठीक है कौन से दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हैं और दोस्तों आपको पता है कि हमारी क्लास यहां पर मंडे टू फ्राइडे होती है मैं आपको टाइम यहां पे लिख देता हूं कई लोग पूछ रहे थे सर क्लास कब होती है तो दोस्तों मंडे टू फ्राइडे जो क्लास होती है मैं उसका यहाँ पे टाइमिंग लिख देता हूँ तो मंडे टू फ्राइडे जो क्लास होती है वो आपकी दोस्तों यहाँ पर एक आफ्टरनून में होती है ठीक है आफ्टरनून में कितने बजे दोस्तों आफ्टरनून में दो बजे कितने बजे दोस्तों दो से तीन बजे कितने बजे दोस्तों दो से तीन बजे जहां पर हम लोग करते हैं एसएससी सीपीओ एस सी, सी, की तैयारी किसकी दोस्तों एसएससी सीपीओ की तैयारी एक होती है दोस्तों नाइट में क्लास कहां पे होती है नाइट में क्लास होती।, होती है कहां पे दोस्तों नाइट में क्लास होती है ग्यारह से बारह बजे ठीक है जहां पर हम लोग दोस्तों ऑल एग्जाम को लेकर चलते हैं ठीक है ये दो क्लास दोस्तों आपको यूट्यूब पे मिलेंगी ठीक है और उसके अलावा दोस्तों मास्टर क्लास होती है दो मास्टर क्लास होती है मास्टर क्लास जो होती है दोस्तों एक होती है दोपहर को साढ़े तीन बजे एक होती है दोस्तों रात को साढ़े सात बजे तो इन दो टाइमों पर आप मास्टर क्लास में भी जुड़ सकते हैं ऐप के थ्रू आप जुड़ पाओगे दोस्तों वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं मास्टर क्लास पे भी ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे ये आज का सेशन लेकिन दोस्तों जितने भी मेरे मित्र एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको फिर से बता देना चाहता हूं कि दोस्तों आप जुड़ सकते हो टेक्स बुक सुपर कोचिंग पे जहां पर दोस्तों आपको लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस डाउट क्लियरेंस क्लासेस सारे यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपके दोस्तों यहाँ पर फेवरेट टीचर्स भी हैं तीन ज्यादा मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं दो से भी ज्यादा स्टडी नोट्स राजीव सर पैरामाउंट से रिचा मैम परचम क्लासेस से सोनी विजया मैम इंडिया स्टडी से इनके अलावा दोस्तों आपके जो डाउट क्लियरेंस के लिए और भी दोस्तों एक्सपर्ट जो है यहाँ पर अमित सर जनरल साइंस के लिए मिर्जा सर रीजनिंग के लिए

अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं हम करने वाले हैं स्पेशल सेशन आपके लिए दो स्पेशल सेशन है आज हम करेंगे दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर

तो अभी के लिए दोस्तों इस सेशन को करते हैं समाप्त अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों पीडीएफ के लिए क्या करेंगे सभी लोग जुड़ जाएंगे दोस्तों टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको जुड़ना है सिंपली क्या करना है आपको टेलीग्राम पे जाना है कहां पर दोस्तों टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे जाने के बाद आपको क्या करना है वहां पे आपको सर्च करना है एट द क्या करना है एट द मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ ठीक है ये रही लिंक आपके लिए मैं लाइव चैट पे जिससे आपको दौड़ना भागना भी ना पड़े मैंने दोस्तों लाइव चैट पे आप लोगों के लिए लिंक डाल दी है आप उससे भी जुड़ सकते हैं ठीक है चलिए तो दोस्तों फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद तब तक के लिए आपको क्या करना है अपना ख्याल रखना है पढ़ाई करते रहना अपना ख्याल रखना है दोस्त गौरव फिर से मिलेगा जय हिंद जय भारत